हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज। हम लोग वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे थे, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड ऑल दोज थिंग्स, और उसके बाद लास्ट में इंटीग्रल थ्योरम्स, और उसमें से दो वेरी पावरफुल थ्योरम्स बेसिकली, अपार्ट फ्रॉम द ग्रेडियंट थ्योरम, गॉस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम आपको इमेंस पावर देती हैं। ओके, कई चीज़ें जो आप नॉर्मली आपने किया भी होगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो पिछले लेक्चर से मैंने आपको कहा था आप इन्हें ट्राई कीजिए, वो रिजल्ट्स आप इतनी इजीली इनकी मदद से प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर वेरी वेरी पावरफुल रिजल्ट्स। ओके, तो उनकी कुछ एप्लीकेशंस हम इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, मैं एग्जैक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिसे कहते हैं वो इसमें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके कुछ एप्लीकेशंस फिर भी यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ओके, ऑफ बोथ दोज थ्योरम्स और साथ में ग्रेडियंट थ्योरम के भी रिजल्ट्स इनफैक्ट यूज़ होंगे। पहली चीज़ तो है जो हमारा डेल ऑपरेटर है उसको हम तीन तरीके से ऑपरेट करके देख चुके हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, पर अगर हम डेल ऑपरेटर को दो बार ऑपरेट करना चाहें, इट इज़ समथिंग लाइक जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हैं, डेल बेसिकली इज सम काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन। मैंने पहले ही कहा है डेल है जिसे हम कहते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेक्टर नेचर भी है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एक डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन है। तो जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हैं चाहे कंप्लीट या पार्शियल, आप डी बाई डी एक्स कर सकते हैं और फिर एक बार और डी बाई डी एक्स कर सकते हैं, तो आप लिखते हैं डी टू बाई डी एक्स टू, दो बार डिफरेंशिएशन। तो ऐसे डेल को दो बार ऑपरेट करने का क्या मतलब है, लेट्स सी। आपके पास कोई स्केलर फंक्शन है तो आप स्केलर का केवल आप ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, स्केलर से आप डेल एफ ग्रेडियंट ऑब्टेन करते हैं। जब आपके पास अगर कोई वेक्टर फील्ड है तो उसका आप डाइवर्जेंस भी ले सकते हैं और कर्ल भी। ये हैं डेल को एक बार ऑपरेट करने के तीन तरीके, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। लेकिन अब अगर आपके पास ये क्वांटिटी ऑप्टेन हुई, कहीं से भी ऑप्टेन हुई लेकिन ये आपके पास ये क्वांटिटीज़ हैं, तो अब डेल एफ जो है, डेल एफ ग्रेडियंट अपने आप में एक वेक्टर फील्ड होता है, तो वेक्टर फील्ड का आप फिर से डाइवर्जेंस भी ले सकते हैं और कर्ल भी। तो ये डेल एफ जो है खुद, आप इसका डेल डॉट भी ले सकते हैं, डेल डॉट ऑफ डेल एफ और डेल क्रॉस ऑफ डेल एफ। तो यही मतलब है डेल को दो बार ऑपरेट करना। इस एफ के लिहाज से आपने इस पर डेल को दो बार ऑपरेट किया है, इस एफ़ के लिहाज से डेल को दो बार ऑपरेट किया है, लेकिन ये ऑपरेशंस अलग अलग हैं। ओके, इसे हम पढ़ेंगे, इसको जो हम पढ़ते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। ओके, ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, ऐसे ही इसे कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। ओके, अच्छा, अब आप यहाँ आएँ, ये वाला जो ऑपरेशन है, जो एक स्टेप आप कर चुके हैं, एक बार डेल ऑपरेट कर चुके हैं, डाइवर्जेंस अपने आप में एक स्केलर होता है, स्केलर फील्ड, और स्केलर फील्ड का आप केवल ग्रेडियंट ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो डेल डॉट एफ का आप ग्रेडियंट अगर लें, ओके, तो डेल डेल डॉट ए ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस से हम पढ़ेंगे दिस। तो ये भी स्टार्टिंग विद अ वेक्टर फील्ड, आप उस पर पहले ये ऑपरेशन और फिर ये ऑपरेशन कर सकते हैं, तो अगेन डेल को दो बार ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, अच्छा, और जो कर्ल है, कर्ल भी अपने आप में एक वेक्टर फील्ड होता है, और वेक्टर फील्ड का आप डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों ले सकते हैं। तो डेल क्रॉस ए पे भी एक बार डेल डॉट ऑपरेट किया और एक बार डेल क्रॉस, इसे पढ़ेंगे आप डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। ओके, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, और ये है कर्ल ऑफ कर्ल। इन चीज़ों को मैंने शॉर्ट में ऐसे लिखा है, ओ, दिस ओ हैज़ बीन रिटन वेरी स्मॉल। ओके, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, ये ऑपरेशन, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एंड कर्ल ऑफ कर्ल। तो ये पांच तरीके हैं बेसिकली जो डेल को आप दो बार ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, और फिजिक्स में आते हैं, सारे के सारे नहीं, अभी आप देखेंगे एक्चुअली सिचुएशन काफ़ी सिंपल है, पांच की आपको चिंता करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट इसमें से दो जो बहुत फ्रीक्वेंटली फिजिक्स में आते हैं वैसे, वो तो ऑलमोस्ट हमेशा आपको जीरो मिलेंगे, ऑलमोस्ट नहीं मतलब हमेशा जीरो मिलेंगे। अभी हम प्रूव करेंगे, और मैंने आपको शायद पहले कहा भी होगा, कंपोनेंट मेथड से आप इसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर आपको स्केलर फंक्शन आपके पास है और आप पहले उसका ग्रेडियंट लें और फिर उसका कर्ल लें, तो आपको हमेशा आंसर जीरो मिलेगा। आप दुनिया में कोई भी स्केलर फंक्शन उठा लें और उस पर ये ऑपरेशंस करें, पहले ये और फिर ये, तो आपको जीरो ही मिलेगा। इट मींस कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज़ ऑलवेज जीरो, उस चीज़ को मैंने यहाँ पे ये लिखा है। ये जो पांच बार डेल को ऑपरेट करने के पांच तरीके शॉर्ट में लिखे हुए हैं, इसमें से ये कर्ल ऑफ ग्रेडियंट हमेशा जीरो होता है, और केवल ये नहीं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल भी हमेशा जीरो होता है। यू स्टार्ट विद अ वेक्टर फील्ड और पहले आप उसका कर्ल लें, और फिर जो आपको वेक्टर फील्ड फिर से ऑप्टेन हुए जो, क्योंकि कर्ल भी अपने आप में एक वेक्टर होता है, तो उसका आप फिर अगर डाइवर्जेंस लें तो आपको जीरो ही मिलेगा। ओके, तो ये दो तो हमेशा जीरो होते हैं, और ये जो पहला वाला है, लेट मी स्टार्ट सीक्वेंशियली। ओके, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट जो है, जो कि डेल डॉट डेल एफ है, ये कितना होता है, जरा इसको देखते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ठीक है। वेरी सून आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में होपफुली यू विल हैव इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं थ्री डायमेंशन में, तो ऑटोमेटिकली आपको इससे डील करना पड़ता है, इमीडिएटली वहाँ पे आपको इससे डील करना पड़ेगा, अगर पहले आपको कहीं इससे मुलाकात नहीं भी हुई हो। ओके, मैथमेटिकल सेंस में सिंबल तो आपने ज़रूर देखा होगा, बट आपको इसको टैकल करना पड़ेगा वेरी सून। तो थोड़ा सी इसकी बात कर लेते हैं। ये जो ऑपरेशन है डेल डॉट डेल एफ, इसका मतलब क्या है,
इसके नाम पे तब चलते हैं। डेल डॉट डेल एफ का मतलब क्या है? डेल डॉट बाद में ऑपरेट करेंगे, पहले डेल एफ। डेल एफ बाई डेफिनेशन आप ये जानते हैं, हाँ भाई ग्रेडियंट ले रहे हैं स्केलर फंक्शन का तो उसकी डेफिनेशन ये होती है, ओके दिस डेल एफ बाई डेल एक्स आई प्लस डेल एफ बाई डेल वाई जे प्लस डेल एफ बाई डेल जेड के। अब इसका डेल डॉट लिया, अब इस अंदर की क्वांटिटी को आप एक वेक्टर फील्ड समझें अपने दिमाग में। ये कोई वेक्टर फील्ड है ए, उसका ये ए एक्स कंपोनेंट है, ये ए वाई कंपोनेंट है, ये ए जेड कंपोनेंट है, डेल डॉट ए। और डेल डॉट ए होता है डेल बाई डेल एक्स हो जाता है ए एक्स का, ए एक्स की जगह यहाँ है डेल एफ बाई डेल एक्स। और डेल बाई डेल वाई हो जाता है डेल एफ ओवर डेल वाई, ए वाई का, ए वाई की जगह डेल एफ अपॉन डेल वाई है। और डेल बाई डेल जेड ऑपरेट होता है ए जेड पे। तो वो तो आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में आपका एफ का एक डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल और एक और, तो बेसिकली डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू। और ऐसे ही ये डेल टू एफ बाई डेल वाई टू एंड दिस इज डेल टू एफ बाई डेल जेड टू। और आप इस चीज़ को ऐसे भी ले सकते हैं, ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं बेसिकली डिफरेंशियन डबल डिफरेंशिएशंस, इनको अलग लिख दिया और एफ अलग लिख दिया, मतलब इस ये भी एफ पे ऑपरेट होगा प्लस ये भी एफ पे ऑपरेट होगा प्लस ये भी एफ पे ऑपरेट होगा, सो दिस इज इक्वल टू दिस। तो इस चीज़ को हम शॉर्ट हैंड में ऐसे लिख देते हैं, थिंक ऑफ इट एज ए शॉर्ट हैंड। ये जो क्वांटिटी है डेल टू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाई डेल वाई टू प्लस डेल टू बाई डेल जेड टू, इसको हम लिखते हैं डेल स्क्वायर। ये कुछ ऐसा है नोटेशन, वैसे काफ़ी अच्छा नोटेशन है ये। अगर कोई वेक्टर हो ए और उसके कंपोनेंट्स हों ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो ए का स्क्वायर कितना होता है, वेक्टर ए का स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो अगर आप डेल को बिल्कुल वेक्टर की तरह ही देख रहे हैं, लेकिन मैंने फिर से यहाँ पे रिमाइंड कराऊंगा, डेल को आप हमेशा केवल वेक्टर की तरह ट्रीट ना करें, ओके, उसमें बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स आपको मिलेंगी। डेल को प्योरली आप वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, बट फॉर दिस कंसिडरेशन डेल के कंपोनेंट्स अगर आप डेल बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड सोच रहे हैं, तो डेल स्क्वायर, हाँ डेल टू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाई डेल वाई टू प्लस डेल बाई टू बाई डेल, सो दिस इज अ गुड नॉमनक्लेचर। और ये जो ऑपरेटर, ये अपने आप में एक ऑपरेटर है जो कि एफ पे ऑपरेट हो रहा है, तो ये ऑपरेशन करने का मतलब, जो डेल को दो बार ऑपरेट करने के तरीकों में से हमारी लिस्ट में सबसे पहला जो तरीका है ग्रेडियंट और फिर उसका डाइवर्जेंस, ओके डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट, वो ऑपरेशन बेसिकली आपको करना लास्ट में ये है, एफ जो है ये ऑपरेट करो प्लस ये ऑपरेट करो प्लस ये ऑपरेट करो, ओके दिस। तो इस ऑपरेशन को हम अलग से एक नाम देते हैं और ये फिजिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली अपेयर होता है, दिस इज कॉल्ड दी लप्लाशियन, ओके लप्लास जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे दिस इज कॉल्ड द लप्लाशियन ऑपरेटर, ओके डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर जो है ये में से सबसे पहला वाला जो है ये आपको बहुत फ्रीक्वेंटली फिजिक्स में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपने जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कोर्स में आपने स्टडी की होंगी और वहाँ से आप वेव इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे भी डेल स्क्वायर आपको इनकाउंटर हो गया होगा, ओके होपफुली आपने इसे देखा होगा। यस बट दिस इज़ द फर्स्ट आइटम ऑन आवर लिस्ट, ओके डेल को दो बार ऑपरेट करने का तरीका डेल स्क्वायर एफ, डेल स्क्वायर लप्लाशियन ऑपरेटर, इस चीज़ को हम डेल स्क्वायर करें। अगेन आप ये सोचिए डेल स्क्वायर असल में एक शॉर्ट हैंड है, डेल स्क्वायर इस क्वांटिटी के लिए क्या है, शॉर्ट हैंड है, ओके दिस। इसको आप समझ सकते हैं इट इज़ द जनरलाइजेशन ऑफ डी टू बाई डी एक्स टू, अगर आप केवल वन डायमेंशनल केस में काम कर रहे हैं, और जो डबल डिफरेंशिएशन होता है उसका थ्री डायमेंशन में जनरलाइजेशन आप इसे कह सकते हैं इन अ सर्टेन सेंस। क्यों मैं इसे कह रहा हूँ, एग्जांपल में अगेन वो दूंगा जो अभी आपने इनकाउंटर नहीं किया है पर आप आगे अपनी स्टडीज़ में इसे इनकाउंटर करेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन आप नाम सुना होगा और केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत यूज़ भी कर लिया होगा आपने, बट आगे आप क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन प्रॉपर्ली जब स्टडी करेंगे तो आप वन डायमेंशन में आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन होगी। यहाँ पे मैं कल इक्वेशन रीड कर देता हूँ, माइनस एच क्रॉस बाई टू एम, एच क्रॉस प्लैंक्स कॉन्स्टेंट बाई टू पाई, एम मास ऑफ द पार्टिकल, डी टू बाई डू एक्स टू डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, साई जिसे हम वेव फंक्शन कहते हैं, वी है पोटेंशियल एनर्जी, अगेन साई वेव फंक्शन, ई एनर्जी वेव फंक्शन, कहाँ से इक्वेशन आई इस पर मत जाइए। वन डायमेंशन में श्रोडिंगर इक्वेशन ये होती है, लेकिन अगर आप थ्री डायमेंशन में श्रोडिंगर इक्वेशन लिखें तो बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन ये जो डी टू बाई डी एक्स टू का ऑपरेशन है इसकी जगह ये डेल स्क्वायर लप्लाशियन आ जाता है, ओके तो यही मेरा यहाँ पे आशय था कि वन डायमेंशनल केस में डी टू बाई डी एक्स टू का जो रोल होता है थ्री डायमेंशन में उस रोल को डेल स्क्वायर ले लेता है, ओके समथिंग लाइक दिस। तो लप्लाशियन बेसिकली दिस है, तो इससे ज़्यादा मैं लप्लाशियन को यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, बट आपको ध्यान ही रखना है ये वाला ऑपरेशन बहुत फ्रीक्वेंटली फिजिक्स में आपको देखने को मिलेगा, ओके जैसे जैसे आप हाई स्टडीज़ करेंगे फिजिक्स मैथमेटिक्स में यू विल इनकाउंटर दिस ऑपरेशन वेरी फ्रीक्वेंटली, ओके दिस। अच्छा अब चलते हैं इस पर कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, मैंने आपको रिजल्ट वैसे पहले ही बता दिया है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट हमेशा जीरो होता है फिजिक्स में, ये अक्सर आपको मिलेगा लेकिन इसकी आपको चिंता नहीं करनी होती, चिंता मतलब आपको अगर ये ध्यान रखना है और ये आपको रखना ही है कि ये हमेशा जीरो होता है तो आपको ये इवेलुएट करने की जरूरत नहीं होती, यू कैन डायरेक्टली पुट इट इक्वल टू जीरो। तो एक बार हम इसे प्रूव कर लेते हैं
प्रूफ आप इसका कंपोनेंट मेथड से भी कर सकते हैं, बट मैं इसका प्रूफ यहाँ पे जो हमारे पास दो पावरफुल थ्योरम्स आ चुकी हैं गॉस और स्टोक्स उनसे देखते हैं, और ग्रेडियंट थ्योरम भी है हमारे पास, उनके कंबाइन करके ज़रा देखते हैं कितना क्विकली दो लाइन में रिजल्ट हमारा आने वाला है। ओके, यहाँ पे मैंने तीनों थ्योरम्स मेंशन कर रखी हैं। ओके, ये बेसिकली गॉस थ्योरम है, डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल किसी वॉल्यूम के ऊपर बराबर फ्लक्स का ए डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस विच बाउंड्स द वॉल्यूम। ऐसी कर्ल का सरफेस इंटीग्रल किसी सरफेस के ऊपर बराबर लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड इटसेल्फ ओवर द क्लोज्ड पाथ, उस सरफेस की जो बाउंड्री है उसके ऊपर। और ये मैंने ग्रेडियंट थ्योरम यहाँ लिखी है, किसी ग्रेडियंट का लाइन इंटीग्रल पॉइंट पी वन से पी टू तक किसी भी पाथ के अलॉन्ग वो केवल होता है उस फंक्शन की वैल्यू, उस स्केलर फंक्शन की वैल्यू फाइनल पॉइंट पे माइनस उसी स्केलर फंक्शन की वैल्यू इनिशियल पॉइंट पे। तीन हमारी थ्योरम्स हैं। तो अब मैं प्रूव ये करना चाहता हूँ कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जीरो होता है। ओके, आप लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है उससे स्टार्ट कीजिए, डेल क्रॉस डेल एफ से। ओके, और इसे किसी भी आर्बिट्री सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट कर दीजिए। आर्बिट्री सरफेस का मतलब है आपकी चॉइस है सरफेस की, सरफेस आप कहीं भी लें, प्लेन लेनी जरूरी है, किसी भी प्रकार की सरफेस आप ले लें। माना वो सरफेस मैंने यहाँ ऐसे दिखाई है, आप ये ना सोचें ये केवल एक तल में है, एक प्लेन में है सरफेस, ये सरफेस कैसी भी हो सकती है। ओके, बट से हम उसे स्कीमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज सब सरफेस एस, और उसके ऊपर मैं इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन मतलब सरफेस इंटीग्रल। ओके, डेल क्रॉस डेल एफ बाद में एक वेक्टर फंक्शन बनेगा, इस वेक्टर फंक्शन को हम डॉट डी एस करके सरफेस के एक छोटे एरिया एलिमेंट से डी एस करके और पूरी सरफेस के ऊपर ऐसे एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं बेसिकली। ओके, तो डेल क्रॉस डेल एफ जो है एक्सप्रेशन उसको मैं डॉट डी एस करके इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ध्यान ये रखना है आपको, ये सरफेस आर्बिट्री है, ये आपने अपनी मनचाही ले रखी है, मतलब इस कैलकुलेशन को आप इस सरफेस के ऊपर भी कर सकते हैं, किसी दूसरी सरफेस के ऊपर, तीसरी, चौथी, तो किसी भी सरफेस के ऊपर इसे माना हम कर रहे हैं। तो लेट्स सी, तो इमीडिएटली आप इसको देखें, ये ए की जगह डेल एफ है और बाकी लेफ्ट हैंड साइड ये और ये सेम है, मतलब ये स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इमीडिएटली आप इसमें स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर दें तो राइट हैंड साइड में ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा एक लाइन इंटीग्रल में, लेकिन ए की जगह हमारे पास यहाँ डेल एफ है, तो डेल एफ डॉट डी एल, ए की जगह डेल एफ, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट डी एल, लेकिन इंटीग्रल कहाँ लेना है, ओवर अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है। वो जो ये जो सरफेस है इसकी जो बाउंड्री है जिसको मैं पीछे ऐसे लिखते आया हूँ, पाथ एक्चुअली क्या है, डेल ऑफ एस। ओके, डेल एस नोटेशन मतलब एस की बाउंड्री। ओके, तो पाथ हमारा एस की बाउंड्री है, तो एस की बाउंड्री के ऊपर ये वाला इंटीग्रेशन कर देंगे। स्टोक्स थ्योरम ने आपको ये दे दिया और इमीडिएटली मैं इस क्वांटिटी को जीरो लिख सकता हूँ। ये मैं पीछे डिस्कस कर चुके हैं हम कि ग्रेडियंट का लाइन इंटीग्रल अराउंड क्लोज्ड पाथ जीरो होता है। ओके, और अगर आप इसे ऐसे नहीं देखना चाहते हैं, दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं, ओके, आप इस रिजल्ट को देखिए, ग्रेडियंट का लाइन इंटीग्रल दो पॉइंट्स के बीच किस पर डिपेंड करता है, उस फंक्शन की वैल्यू फाइनल पॉइंट पे माइनस फंक्शन की वैल्यू इनिशियल पॉइंट पे। लेकिन ये रिजल्ट इस फॉर्म में जब लिखा हुआ है ये ओपन पाथ के लिए, मतलब P1 और P2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, अच्छा ये है P1 और ये है P2 और आप यहाँ से यहाँ गए, तो फिर जो किसी चीज़ का ग्रेडियंट का लाइन इंटीग्रल इतने के बराबर होता है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू और माइनस यहाँ पे। लेकिन आप इस एक्सप्रेशन पे आए, यहाँ से यहाँ गए, अब इसे भूल जाओ, आपको लाइन इंटीग्रल ही करना है, ग्रेडियंट का ही करना है, पर डिफरेंस क्या है, यहाँ आपका ये पाथ क्लोज्ड है, तो पाथ क्लोज्ड में भी ये रिजल्ट अप्लाई होगा। लेकिन अगर आपका पाथ क्लोज्ड है तो क्लोज्ड पाथ का मतलब P1 से स्टार्ट करके ख़त्म भी कहाँ पे कर रहे हैं, P1 पे ही कर रहे हैं। अगर आप मैथमेटिकली सोचें तो हम यही इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन क्लोज्ड पाथ का मतलब P1 टू P1, तो फाइनल आंसर क्या होगा, G एट P1 माइनस G एट P1 कितना हो जाएगा, जीरो। ओके, इसलिए ये जीरो है। लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से आपको रिजल्ट देना चाह रहा हूँ, सीधे हो क्या रहा है, ये सारी थ्योरम ये कहती हैं, चाहे ये है चाहे ये है, ये है, फाइनल आंसर डिपेंड करता है उस फंक्शन की वैल्यू बाउंड्री पे कितनी है, ग्रेडियंट थ्योरम अप्लाई करने का टाइम आ रहा है ये, तो आपको एफ की वैल्यू में इंटरेस्ट होगा बाउंड्री पे, ठीक है। ओपन पाथ की बाउंड्री तो ये दो पॉइंट्स होते हैं, ये ओपन पाथ की बाउंड्री तो ये दो पॉइंट्स हैं, पर इस समय जो पाथ आपको मिला क्योंकि आप यहाँ से यहाँ आए हैं, तो ये पाथ कैसा है, क्लोज। क्लोज पाथ की बाउंड्री क्या होती है भाई, ये ओपन पाथ है, इसकी बाउंड्री ये और ये है, इस पाथ को धीरे धीरे क्लोज करते हैं, ये अब बाउंड्री ये और ये पॉइंट्स हैं, अभी क्लोज नहीं हुआ, अभी बाउंड्री ये और ये हैं, बाउंड्री पॉइंट्स इस पाथ के, पाथ की बाउंड्री की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने इस पाथ को बंद कर दिया, पाथ को बंद कर दिया है, तो उस पाथ की बाउंड्री तो है ही नहीं। ओके, दिस बाउंड्री ऑफ क्लोज पाथ क्या होती है, नल होती है। ओपन पाथ की तो बाउंड्री होती है दो पॉइंट्स, पर क्लोज पाथ, कोई लाइन इंटीग्रल आप कर रहे हैं किसी पाथ पे, तो आप उसकी बाउंड्री नहीं बोल सकते हैं,
यहाँ पे आप कंफ्यूज ना करें, ये लाइन जो है, ये खुद इस सरफेस की बाउंड्री तो है, पर ये लाइन अपने आप में क्लोज्ड है। अगर ये लाइन ओपन होती, माना कि ये लाइन केवल यहाँ से यहाँ तक होती, जो कि इस केस में नहीं हो सकता है, पर माना ये लाइन यहाँ से यहाँ तक होती, तो तब इन दो पॉइंट्स को आप इस लाइन की बाउंड्री बोलते। तो स्टोक्स थ्योरम ने इस पहले डेल को हटाया, कोई भी थ्योरम इनमें से एक डेल को हटा देती है। आप राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में डेल नहीं आता है। इसको आप रफली ऐसे सोचिए, दो डेल थे, एक डेल एक स्टेप पे ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी जगह क्या आ गया, क्लोज्ड पाथ। लेकिन दूसरी बार आप दूसरे डेल को ख़त्म करने के लिए फिर से दूसरी वाली इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो अब वो जो आपका पाथ बचा है उसकी तो कोई बाउंड्री है ही नहीं। तो मतलब इस तरह का जो आपका राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है, वो हमें कहाँ इवेल्युएट करना है, कहीं भी नहीं, नल। तो इसीलिए वो आंसर कितना है, जीरो। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे इस तरह से वो लिखा है, क्योंकि इस समय बाउंड्री ऑफ क्लोज पाथ नल होती है, होती ही नहीं है, ओके। तो इसलिए ये इंटीग्रल कितना होगा, जीरो। तो चाहे आप मैथमेटिकली करें या वैसे करें, दिस इज़ जीरो। और इन जनरल आप ये रिजल्ट ध्यान रखें, बाउंड्री ऑफ बाउंड्री हमेशा नल होती है, होती ही नहीं है। इसको आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी देखेंगे। तो सिंपली एक दो तीन तीन लाइन में आपका प्रूव हो गया कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है, जीरो। बट ये प्रूफ करने के लिए आप देखें, आपको पावर की, जिस पावर की जरूरत पड़ी वो थी स्टोक्स थ्योरम की पावर और ग्रेडियंट थ्योरम की पावर। तो ये रिजल्ट्स हमने एक बार ऑब्टेन कर दिए, तो कितनी इजीली हमें ये रिजल्ट मिल रहा है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट हमेशा जीरो। तो रिमेंबर दिस नाउ ऑन, ऑलवेज रिमेंबर दिस, अगर किसी एक्सप्रेशन में आपको कर्ल ऑफ ग्रेडियंट मिल रहा है और आपको एक्सप्लिसिटली इवेल्युएट करने को नहीं कहा गया है, तो आप सीधे इस रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ मैथमेटिकल रिजल्ट, इट होल्ड्स फॉर एवरी स्केलर फंक्शन, ओके। बहुत कोई वैसा ना हो जिसे हम पैथोलॉजिकल केस बोलते हैं, तो अदरवाइज दिस विल ऑलवेज होल्ड, ओके। दिस अच्छा, एक और यहाँ पे जो रिलेशनशिप ध्यान रखें, वॉल्यूम की बाउंड्री होती है सरफेस। आप यहाँ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम, राइट हैंड साइड में बाउंड्री सरफेस। गॉस थ्योरम वॉल्यूम को सरफेस से रिलेट करती है, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल से रिलेट करती है। वॉल्यूम इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रेशन में रिलेशन कौन देता है, गॉस थ्योरम। ये इक्वेशन सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट करती है लाइन इंटीग्रल में, सरफेस को कन्वर्ट करती है लाइन या पाथ इंटीग्रल में, कौन, स्टोक्स थ्योरम। और पाथ इंटीग्रल जो है वो लास्ट में केवल पॉइंट्स से रिलेटेड होता है। पाथ इंटीग्रल, पाथ अगर क्लोज ना हो तो पाथ इंटीग्रल की वैल्यू केवल दो पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। पाथ के नीचे मुझे पॉइंट्स भी लिखना चाहिए कि पाथ से को पॉइंट से रिलेट करता है, कौन रिलेट करता है, ग्रेडियंट थ्योरम। तो यहाँ पे हमने किया क्या, एक्चुअली अगर आप इसके स्टेप्स को देखें, फर्स्ट स्टेप में हम सरफेस से पाथ पे आए, स्टोक्स थ्योरम, और पाथ से हम पॉइंट्स पे गए। पॉइंट्स मिले नहीं हमें क्योंकि पाथ क्लोज था, दो पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स मिले नहीं, पर पाथ इंटीग्रल से हम पॉइंट्स पे आना चाह रहे थे, मतलब ग्रेडियंट थ्योरम। मैंने ये रेड जो ये मार्क किया है यहाँ पे, एक्चुअली आपने ये वाला सिस्टम को यूज़ किया, स्टोक्स थ्योरम और ग्रेडियंट थ्योरम को। एक इंटीग्रल आपको सरफेस से पाथ पे ले आया और फिर पाथ इंटीग्रल से आप पॉइंट्स पे जाना चाह रहे थे, लेकिन पॉइंट्स आपको मिले नहीं क्योंकि बाउंड्री ऑफ बाउंड्री नल होती है। बट बेसिकली ये स्कीम मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आगे भी हम इस चीज़ को करने वाले हैं, बट वी हैव ऑब्टेंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ओके। दिस इज ऑलवेज 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 जीरो। अच्छा हाँ, जीरो क्यों, लेकिन अब पॉइंट ये है, ऑलवेज जीरो मैं क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि ये सरफेस एस आर्बिट्री थी। देखो, कोई इंटीग्रल ऐसा हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में वो इंटीग्रल जीरो बन रहा हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जिस चीज़ को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो जीरो थी। इसका एग्जांपल मैं पीछे भी आपको दे चुका हूँ, आप 2x का इंटीग्रल कीजिए माइनस वन से वन तक, इंटीग्रल आपको जीरो मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है 2x जीरो के बराबर होता है। लेकिन आप हर एक लिमिट में इंटीग्रेशन करें और फिर भी आपको आंसर जीरो मिले, इसका मतलब जिस चीज़ का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही जीरो है। ये सरफेस एस आर्बिट्रेरी है, आपने एक बार ये सरफेस ली, ये जीरो बना, दूसरी सरफेस ली, जीरो, तीसरी सरफेस, सरफेस का तो कहीं रोल ही नहीं है कि एक्चुअली वो कौन सी सरफेस है। तो ये रिजल्ट किसी भी सरफेस के लिए होल्ड करता है, सरफेस एस आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब जिस चीज़ का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो खुद क्या है, जीरो, ओके। यस, सो यूजिंग द स्टोक्स एंड ग्रेडियंट्स थ्योरम वन बाई वन, वी हैव प्रूव दिस इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन जस्ट टू लाइन्स, ओके। डेल क्रॉस डेल एफ इज जीरो। तो इस रिजल्ट को हम ऐसे पढ़ते हैं, कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो, ओके। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, कर्ल किसका, ग्रेडियंट का, पहले ग्रेडियंट करना है। आप इस ऑपरेशन में ऐसे ना समझें इसको, ढंग से इंग्लिश लैंग्वेज के उसके हिसाब से कर्ल ऑफ ग्रेडियंट का मतलब क्या, पहले ग्रेडियंट और फिर उसका कर्ल लिया गया है, ओके। इज ऑलवेज जीरो, कोई भी स्केलर फील्ड एफ आप चुन लें ये आपको जीरो ही मिलने वाला है। इस चीज़ को हम कई और तरीके से भी कहते हैं फिजिक्स में, आपको इस तरह के स्टेटमेंट्स भी मिलेंगे, ओके। एक ग्रेडियंट इज कर्ललेस, आपने कोई ग्रेडियंट अगर ऑब्टेन कर लिया तो वो ग्रेडियंट तो फाइनाइट होगा, लेकिन उसका कर्ल आपको हमेशा जीरो मिलेगा। मतलब ग्रेडियंट कर्ललेस होता है, कर्ललेस मतलब कर्ल जीरो है, कर्ल आप उसका निकालना चाहें तो आपको जीरो ही मिलना है, बिना कर्ल के होता है,
बिना कर्ल के, मतलब कर्ल की वैल्यू जीरो है, नो कर्लिंग होती है। अगर वो आप सिंबॉलिक नोटेशन याद करें या वो जो हम ग्राफिकल पिक्चर बना रहे थे, कर्लिंग का सेंस कुछ ऐसा होता है कि हाँ वेक्टर फील्ड किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो आप ये सोचिए जो वेक्टर फील्ड आपका है अगर वो वास्तव में एक ग्रेडियंट है, किसी फंक्शन के ग्रेडियंट से मिला है, तो उसमें कर्लिंग नहीं होती है। उसको आप कुछ इस तरह से माइंड में इमेजिन कर सकते हैं, वो सीधा सीधे फ्लो टाइप की चीज़ रिप्रेजेंट करता है, उसका कहीं पे घुमाव नहीं होता है। ठीक है, तो थिंक ऑफ इट दिस वे। या इस चीज़ को आप रिवर्स भी करें अगर, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये आर्ग्यूमेंट हम यूज़ करते हैं फिजिक्स में। माना कोई वेक्टर फील्ड है, कोई वेक्टर फील्ड ए है, और वो हमेशा कर्ललेस है, आप हमेशा देख रहे हैं कि उसका कर्ल जीरो है। ओके, अब हमेशा कर्ल जीरो किसका होता है, आप इस मैथमेटिकल रिजल्ट से देखिए, हमेशा कर्ल जीरो किसका होता है, ऐसी चीज़ का जो खुद को किसी का ग्रेडियंट हो। ये डेल एफ अगर आप ऐसे देखें तो हाँ है तो एक वेक्टर फील्ड, लेकिन ये वेक्टर फील्ड किस टाइप का है, ये खुद किसी ग्रेडियंट से ऑप्टेन हुआ था, किसी स्केलर के ग्रेडियंट से। तो वो रिजल्ट हम यहाँ पे इस तरह से कह रहे हैं, एन ऑलवेज कर्ललेस वेक्टर फील्ड, एक वेक्टर फील्ड जो हमेशा आपको कर्ललेस देखने को मिलता है, ओके, इज द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। तो इसका मतलब वो वेक्टर फील्ड जरूर किसी ग्रेडियंट का क्या, किसी स्केलर का क्या होगा, ग्रेडियंट होगा का मतलब क्या है, मैथमेटिकली आप उसे किसी स्केलर से ऑब्टेन कर सकते हैं, किस प्रोसेस से, ग्रेडियंट की प्रोसेस से। माना ये आपको ये पता लगा कोई डेल क्रॉस ए हमेशा जीरो है, तो इसका मतलब ए जरूर किसी चीज़ का ग्रेडियंट होगा। इनफैक्ट ये रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डेल क्रॉस ई जीरो होता है। यहाँ पे मैं एक रिमाइंडर आपको भी देना चाहूँगा, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में ये जीरो नहीं होता है, ठीक है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डेल क्रॉस ई जीरो होता है हमेशा। आप कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ले लें, अगर स्टैटिक सिचुएशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आपका हो, लेकिन उसका कर्ल आप इवैल्यूएट करेंगे तो आपको जीरो ही मिलेगा, डेल क्रॉस ई इज ऑलवेज जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इट मीन्स ई जरूर किसी चीज़ का ग्रेडियंट है, और कन्वेंशनली हम यहाँ पे एक माइनस साइन लेते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पीछे एक दूसरी तरह से भी इंट्रोड्यूस की थी, जहाँ पे वर्क अराउंड क्लोज पाथ वगैरह के उससे की थी। इनफैक्ट आप दोनों पिक्चर्स को मर्ज करके देख सकते हैं, दोनों एक ही बात क्यों कह रही हैं, बट द पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे हम फाई, एक स्केलर फंक्शन जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल के ग्रेडियंट से आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आप इस ई की जगह यहाँ डेल फाई रखें, माइनस का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, माइनस साइन तो ओवरऑल खत्म हो जाएगा, तो आप क्लियरली देख सकते हैं। माना आपको नहीं पता ये जीरो होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अच्छा ई बराबर अगर माइनस डेल फाई है तो डेल क्रॉस माइनस डेल फाई, माइनस अलग कर दो, डेल क्रॉस डेल फाई, डेल क्रॉस डेल फाई ने हमेशा जीरो ही तो होना है। ओके, लेकिन यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट रिवर्स करके बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं अगर ये हमेशा जीरो होता है, इसका मतलब ई को जरूर आप हमेशा ऐसा लिख सकते हैं। इसी को आप कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्केलर पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मली आप उसे पोटेंशियल कहते हैं, बट हम उसे प्रॉपर नाम उसको स्केलर पोटेंशियल कहेंगे। स्केलर पोटेंशियल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि उसका ग्रेडियंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता है। ओके, यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। क्या आप इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं? इलेक्ट्रोडाइनमिक्स से मेरा मतलब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स हमारे टाइम के साथ वेरी कर रहे हों। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन है। इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में ये इक्वेशन इस तरह से चेंज हो जाती है, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल टी, फैराडे लॉ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये रिजल्ट नहीं चलेगा, क्लियरली डेल क्रॉस ई अब जीरो नहीं है। लेकिन वहाँ पे करस्पॉन्डिंग रिजल्ट क्या होता है, अगर आप जानते हैं तो गुड, और नहीं जानते हैं तो कैन यू डिराइव इट। इनफैक्ट मैं यहाँ पे फिर से इसी पेज में, मैं जब यहाँ पे पहुँचूंगा, मैं आपको इसका थोड़ा और हिंट आपको दूंगा, सो होपफुली यू कैन वर्क दिस आउट। ओके, यस, और यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी और आती है। माना इस एग्जांपल में आप देखें, ये हम पहले बात कर चुके हैं, जिन फोर्सेज या फील्ड्स को हम किसी स्केलर के ग्रेडियंट के रूप में लिख सकते हैं वो फील्ड्स कंजर्वेटिव होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से अब आप केवल ई के टर्म में ना सोचें, आप इसके टर्म में सोचें, इस डेल एफ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में बस ए सोचें। ए कोई वेक्टर फील्ड है और उसका कर्ल हमेशा जीरो है, तो इसका मतलब ए को आप डेल एफ की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये भी पता है जो वेक्टर फील्ड्स डेल एफ फॉर्म के होते हैं, डेल एफ मतलब ग्रेडियंट फॉर्म के होते हैं, वो क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। उनका वर्क डन अराउंड क्लोज्ड पाथ कितना होता है, जीरो। यहाँ पे आप ये चीज़ वर्क डन अराउंड क्लोज्ड पाथ तो है, अगर डेल एफ को आप कोई फील्ड समझ रहे हैं, ई समझो, ए समझो, एक्स समझो, जो भी समझ रहे हैं, एक्स डॉट डी एल, उस फील्ड द्वारा वर्क डन है बेसिकली,
ओके, या लाइन इंटीग्रल, पाथ इंटीग्रल आप उसे कहें, लेकिन पाथ इंटीग्रल अराउंड क्लोज्ड पाथ जीरो है, इसका मतलब फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव। ग्रेडियंट से ऑब्टेंड फील्ड हमेशा कंजर्वेटिव होता है। तो कंजर्वेटिव फील्ड्स या फोर्सेस के लिए यहाँ पे मैंने ग्रिफिथ्स की बुक से ये डायग्राम कॉपी किया है। इस रिलेशनशिप को आपको अपने दिमाग में बैठाना होगा। कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स को सबसे एलिमेंट्री डेफिनेशन जो हम स्कूल लेवल पे देते हैं कि वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और जब मैं वर्क डन कहता हूँ, वर्क डन वैसे केवल फोर्स के लिए अप्लाई होता है, जनरल फील्ड के लिए वर्क डन के बजाय आप उसे सिंपली लाइन इंटीग्रल सोचें कि लाइन इंटीग्रल बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। दो पॉइंट्स के बीच लाइन इंटीग्रल की वैल्यू पाथ पर डिपेंड नहीं करती। उसी से एक दूसरी डेफिनेशन भी निकल के आती है कि वर्क डन अराउंड क्लोज पाथ इज जीरो, ठीक है ये। लेकिन सिनोनिमल स्थिति आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर कोई वेक्टर फील्ड ए कंजर्वेटिव है तो मतलब उसको ज़रूर आप किसी स्केलर के ग्रेडियंट के रूप में लिख सकते हैं। कोई ना कोई स्केलर फंक्शन ऐसा होगा जो शायद आपको पता ना हो, आपको उसको निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन कोई स्केलर फील्ड ज़रूर ऐसा होगा कि जब आप उसका ग्रेडियंट लें तो ये वाला वेक्टर फील्ड बन जाए। जो वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव होता है वो ग्रेडियंट के रूप में हमेशा लिखा जा सकता है। और अगर आपको ये डेफिनेशन दे रखी है किसी फील्ड की तो आप इससे ये वाली डेफिनेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब दिस इम्प्लाइज दिस, और अगर ये डेफिनेशन दे रखी है तो दिस इम्प्लाइज दिस, ये दोनों सिनोनिमस हैं, ठीक है। और अब आपके पास एक तीसरा रिजल्ट भी है, अगर कोई वेक्टर फील्ड ए ग्रेडियंट टाइप का है, ए डेल एस टाइप का है, डेल क्रॉस ए आप निकालने जाएं, डेल क्रॉस ए निकालने जाएं, ए खुद किस नेचर का है, डेल एस नेचर का, डेल क्रॉस डेल एस, डेल क्रॉस डेल एस कितना होता है, हमेशा ज़ीरो। इसका मतलब कंजर्वेटिव फील्ड का कर्ल हमेशा कितना होगा, ज़ीरो। और ये सारी डेफिनेशंस आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर ये होल्ड कर रहा है, माना किसी वेक्टर फील्ड के लिए ये होल्ड कर रहा है, तो आप ये प्रूव कर सकते हैं और साथ में ये भी प्रूव कर सकते हैं कि मतलब उस वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल या वर्क डन अराउंड क्लोज पाथ कितना होगा, ज़ीरो। उस वेक्टर फील्ड को आप किसी के ग्रेडियंट के रूप में लिख सकते हैं, या अगर ये रिजल्ट आपके पास है कि वेक्टर फील्ड किसी चीज़ के ग्रेडियंट के रूप में लिखा जा सकता है, तो आप ये भी शो कर सकते हैं, ये भी शो कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपके पास ये डेफिनेशन है, तो ये तीनों जो हैं इक्विवेलेंट डिस्क्रिप्शंस हैं कंजर्वेटिव फील्ड के, ओके। सो ये आपको सेटल अपने माइंड में करना होगा कि हाँ, कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए रेफरेंस में कोई भी चीज़ आएँ तो हम सिनोनिमसली एक दूसरे को यूज़ कर सकते हैं, ओके। अच्छा, और ये देख रहे हैं, लेकिन ये सारे रिजल्ट्स कहाँ से ऑब्टेन हुए, अगर आप अपने एप्लीकेशन व्यू पॉइंट से देखें, जस्टविट्स इनफैक्ट तीन लाइन भी नहीं है, दो लाइन है, दिस इक्वल टू दिस और नेक्स्ट लाइन पे इक्वल टू जीरो। लेकिन जब आपके पास ये थ्योरम्स थी तब जाके आप ये रिजल्ट लिख पाए, ओके। अच्छा, अब मैं इस वाले को स्टेप अभी स्किप कर रहा हूँ, फर्स्ट की हमने बात कर ली, सेकंड हमने शो कर दिया जीरो होता है, मैं थर्ड को स्किप कर रहा हूँ, मैं सीधे फोर्थ पे जा रहा हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। और उसका रीज़न भी ये है, ये भी हमेशा जीरो होता है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, डेल डॉट डेल क्रॉस ए, ए कोई भी वेक्टर फील्ड है आपकी मर्जी का, अब इसको ए को आप ऊपर वाले से कन्फ्यूज ना करें, ठीक है, ये नया डिस्कशन है, ए कोई वेक्टर फील्ड है कोई भी, डेल डॉट डेल क्रॉस ए हम शो करना चाहते हैं जीरो। अगेन मैंने यहाँ पे ये वाली रिलेशनशिप लिखी है, वॉल्यूम इंटीग्रल को गॉस थ्योरम कन्वर्ट करता है सरफेस इंटीग्रल में, और सरफेस इंटीग्रल को स्टोक्स थ्योरम कन्वर्ट करता है पाथ इंटीग्रल में। और इसको मैं चलो यहाँ पे ठीक कर देता हूँ, पाथ इंटीग्रल को ग्रेडियंट कन्वर्ट करता है पॉइंट, पॉइंट मतलब बाउंड्री के जो पॉइंट्स हैं उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है ये वाला इंटीग्रल। पीछे हमने इन दो को यूज़ किया था, हम सरफेस से पाथ पे आए थे और पाथ से पॉइंट्स पे गए थे, तो जीरो मिल गया था पिछले वाले रिजल्ट के लिए। अब की बार मैं वॉल्यूम इंटीग्रल से स्टार्ट करूँगा, वॉल्यूम इंटीग्रल को एक स्टेप में सरफेस इंटीग्रल पे कन्वर्ट करूँगा, और सरफेस से जब मैं आगे जाऊँगा तो मुझे फिर से जीरो मिलेगा, ओके। बाउंड्री ऑफ बाउंड्री वाला ही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा, सो लेट्स स्टार्ट इट। ये जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है, इसको आप किसी मन चाहे वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट कीजिए। अब ये वॉल्यूम है, ठीक है, टू फिगर हम कागज़ में बना रहे हैं तो ये वॉल्यूम जैसा नहीं दिख रहा है, बट ये थ्री डायमेंशनल एक वॉल्यूम है, कि कोई भी वॉल्यूम आप ले सकते हैं जहाँ आपकी इच्छा है, यहाँ लेना चाहें, यहाँ लेना चाहें, यहाँ जहाँ पे भी, आर्बिट्री वॉल्यूम है। और एस इसकी सरफेस है, उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, डेल ऑफ वी, ठीक है। तो अब अगर आप डेल डॉट डेल क्रॉस ए का वॉल्यूम इंटीग्रल लें आर्बिट्री वॉल्यूम के ऊपर, डेल डॉट ऑफ समथिंग, डेल डॉट ऑफ डेल क्रॉस ए को समथिंग समझो, डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल गॉस थ्योरम, वो किसके बराबर होता है, वो जो समथिंग है डेल डॉट ऑफ समथिंग, उस समथिंग का खुद सरफेस इंटीग्रल। लेकिन वो सरफेस इंटीग्रल लेना कहाँ होता है, उस वॉल्यूम की बाउंड्री के ऊपर, वॉल्यूम की बाउंड्री एक सरफेस होती है एस जो है डेल वी, लेकिन वो सरफेस कैसी होती है, क्लोज। वॉल्यूम को इनक्लोज करने के लिए आपको सरफेस जो लेनी पड़ेगी वो कैसी लेनी पड़ेगी, क्लोज। अच्छा ठीक है, यहाँ आपने गॉस थ्योरम अप्लाई की फर्स्ट लाइन में, अब गॉस थ्योरम से अंदर की क्वांटिटी एक कर्ल है, पहले स्टेप में ये थ्योरम अप्लाई की, लेकिन ए की जगह हमारे पास डेल क्रॉस ए है, तो इस ए की जगह डेल क्रॉस ए, इस ए की जगह डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए डॉट डी एस
वो तो ये वाला एक्सप्रेशन बना, वो इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए तैयार है। बट अगेन यहीं पे आप पहले देखें फिर वहाँ तक चलते हैं। नॉर्मली ये थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं ये किसी ओपन सरफेस के लिए होती है। ओपन सरफेस कोई कागज़ का टुकड़ा, ये कागज़ का टुकड़ा प्लेन सरफेस है बट दिस इज़ अ सरफेस, इसकी बाउंड्री है ये। आप इस कागज़ के टुकड़े को छोटा कीजिए, या मैंने जो आपको घड़े का एग्जांपल दिया था, एक घड़ा है ये उसका मुंह है, घड़ा सरफेस है उसकी बाउंड्री ये है। ये इंटीग्रल अगर आप कर रहे हैं, ये थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो इस सरफेस इंटीग्रल को हम रिलेट कर रहे हैं इस पाथ के ऊपर जो लाइन इंटीग्रल है उससे। इस लेकिन इस सरफेस को अगर आप धीरे धीरे क्लोज करने लगे हैं तो आपका पाथ धीरे धीरे छोटा हो रहा है ये पाथ। और इस सरफेस को अगर आप क्लोज कर दें पूरी तरह से तो इसकी बाउंड्री क्या है, ख़त्म हो गई। क्यों? क्लोज सरफेस की कोई बाउंड्री नहीं होती है, ओपन सरफेस की बाउंड्री होती है, क्लोज सरफेस की नहीं। तो अगर ये रिजल्ट मैं यहाँ क्लोज सरफेस पे अप्लाई करूँ, क्लोज्ड पे इस साइड क्लोज ले लूँ, तो राइट हैंड साइड में मुझे जीरो लेना पड़ेगा। क्यों? कोई पाथ बचा ही नहीं लाइन इंटीग्रल अप्लाई करने के लिए। तो वही रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में मैंने गॉस थ्योरम अप्लाई करके ये रिजल्ट लिख दिया, ओके। लेकिन अब ये स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए ठीक तो है, लेकिन स्टोक्स थ्योरम में नॉर्मली ये सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस के ऊपर नहीं होता है, पर यहाँ पे है। तो ठीक है, आप स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कीजिए, पर स्टोक्स थ्योरम के राइट हैंड साइड में पाथ जो लेना है वो पाथ कौन सा लेंगे? नल पाथ। कोई पाथ ही नहीं है, तो सीधे सीधे उस चीज़ को मैंने ऐसे लिखा है। आप इसे ना लिखें, ये गलत नोटेशन है, आप सीधे इसे इक्वल टू जीरो लिखेंगे। पर ये नोटेशन लिखने का आशय मेरा ये था, अच्छा डेल क्रॉस ए डॉट डी एस का मैंने इंटीग्रल देखा तो मैंने उसे लिख दिया, अच्छा ए डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड पाथ। लेकिन फिर आपने यहाँ देखा, अरे ये सरफेस तो खुद क्लोज थी, तो मतलब मुझे पाथ जो लेना है वो क्लोज सरफेस के ऊपर लेना है, पर क्लोज सरफेस को की बाउंड्री वाला जो पाथ होता है वो तो नल होता है, ओके। नॉर्मली पाथ आपका डेल एस बनता है अगर एस सरफेस है, लेकिन ये एस खुद कहाँ से आया था? डेल वी से आया था, वॉल्यूम को क्लोज सरफेस ने इनक्लोज किया, लेकिन क्लोज सरफेस की बाउंड्री क्या होती है? जीरो। तो यहाँ पे आप सिंपली एक लाइन, अगर आप ये आर्गुमेंट समझ गए हैं, सिंपली आप लिखेंगे स्टोक थ्योरम से इसने एक लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट होना है, लेकिन वो लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट करने के लिए कहीं जगह ही नहीं है, मतलब पाथ जो है वो नल है, तो सीधे सीधे आंसर कितना हो गया? जीरो। तो इस ये चीज़ मैंने केवल समझाने के लिए लिखी है, डोंट यूज़ ये, कोई नोटेशन नहीं है ये, केवल मैंने समझाने के लिए लिखा है, ऐसा कोई नोटेशन नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नो नोटेशन, ये नल, ये नोटेशन इटसेल्फ नल है, ठीक है, ये दिस इज नल एंड वॉइड, सो दिस डायरेक्टली है, बट होपफुली यू अंडरस्टैंड द आर्ग्यूमेंट। वॉल्यूम से सरफेस इंटीग्रल में जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सरफेस आपको मिली क्लोज्ड। अब आप सरफेस इंटीग्रल से फिर से स्टोक्स थ्योरम से लाइन इंटीग्रल पे जा सकते हैं, पर क्योंकि सरफेस क्लोज्ड है तो लाइन इंटीग्रल जिस बाउंड्री पे अप्लाई करना है वो बाउंड्री क्या है? नल। तो सीधे सीधे आप क्या लिख सकते हैं? दिस, तो अगेन बाउंड्री ऑफ क्लोज सरफेस नल, लेकिन जनरल रिजल्ट वही है, बाउंड्री ऑफ, बाउंड्री क्या होती है? जीरो। आप अगर यहाँ दो स्टेप्स उतर के आ रहे हैं, इससे आप क्लोज सरफेस पे पहुँचे, और क्लोज सरफेस की बाउंड्री क्या होती है? नल। पिछले केस में हम सरफेस से स्टार्ट किया था, वो सरफेस ओपन थी, पिछला मतलब ये वाला रिजल्ट जो हमने ऊपर प्रूव किया था, ओपन सरफेस से, लेकिन उसकी बाउंड्री क्लोज पाथ होती है, और क्लोज पाथ के तो एंड पॉइंट्स कुछ होते ही नहीं है, नल। तो आर्ग्यूमेंट दोनों जगह एक ही जैसा है। इस समय आपने इन दो थ्योरम्स को यहाँ पे यूज़ किया, इन दो रिजल्ट्स को, वॉल्यूम से सरफेस पे आए और सरफेस से पाथ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्लोज सरफेस के लिए कोई पाथ होता ही नहीं है, सो दिस, ओके। मैं यहाँ ऊपर एक पॉइंट बोलना भूल गया, इस रिजल्ट को आप इस मेथड से भी प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, डेल क्रॉस डेल एफ, और डेल एफ के कंपोनेंट्स ये होते हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल जेड, और इसका कर्ल, कर्ल आप ऐसे ही निकालते हैं। तो अगर आप इस डिटरमिनेंट को इवेलुएट करें तो आपको यहाँ जीरो मिलेगा, और जीरो मिलने का कारण होता है पार्शियल डिफरेंशियल में ऑर्डर अनइम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मैं केवल एक टर्म इवेलुएट करूं, एफ का एक डिफरेंशियल जेड के रेस्पेक्ट में है, एक डिफरेंशियल होगा वाई के रेस्पेक्ट में, डेल टू एफ ओवर डेल वाई डेल जेड, और यहां से जो दूसरा टर्म मिलेगा माइनस में वो भी डेल टू एफ ओवर डेल वाई डेल जेड या डेल जेड डेल वाई, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है पार्शियल डिफरेंशियल में, पहले वाई डिफरेंशियल कर रहे हैं कि जेड, इसलिए यहां से जीरो। तो कंपोनेंट फॉर्म में भी आप इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं, और आपने होपफुली किया होगा, बट थ्योरम्स की मदद से वी आर एबल टू डू दिस वेरी क्विकली। तो दिस अगेन यहाँ हमें जीरो मिला, तो इमिडिएटली अब मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि ये वॉल्यूम वी तो आर्बिट्रेरी था, मैं दुनिया के किसी भी वॉल्यूम के ऊपर इस कैलकुलेशन को करने निकलूँगा तो ये थ्योरम और ये थ्योरम मेरी मदद करके मुझे आंसर जीरो देने वाली है। तो मैं सीधे लिख सकता हूँ, अरे जिस चीज़ का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल स्टार्ट कर रहे हैं, वो चीज़ खुद जीरो है। कौन सी चीज़ जीरो है? डेल डॉट डेल क्रॉस ए। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज़ ऑलवेज जीरो। आप दुनिया में कोई भी वेक्टर फील्ड उठा लें, आप उसका पहले कर्ल लें और फिर डाइवर्जेंस, आपको जीरो ही मिलेगा, ओके। इसको अगर आप फिगर के टर्म्स में सोचना चाह रहे हैं, डेल क्रॉस ए मतलब प्योर कर्ल,
कर्ल का मतलब कुछ ऐसा समझें, वो चीज़ वहीं पे घूम रही है। अगर आप पानी के सेंस में सोच रहे हैं, हमने एग्जांपल लिया था पानी में भंवर बनता है, वहीं पे सर्कुलेशन हो रहा है उस चीज़ का, वहीं पे उसी पॉइंट के इर्द गिर्द, माना एक सेंट्रल पॉइंट एक जिसे हम वोर्टेक्स कहते हैं, वोर्टेक्स बन रहा है यहाँ पे, ये इसी पॉइंट के इर्द गिर्द हमारा फील्ड घूम रहा है कर्ल। और डाइवर्जेंस का मतलब होता है फैलाव, तो ये चीज़ यहाँ से फैल थोड़ी रही है बाहर की तरफ, उसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती रह रही है, उसका नेट डाइवर्जेंस तो कुछ हो ही नहीं रहा। सो दिस इज अ वे ऑफ थिंकिंग। अगर आप पिक्चर्स के रूप में इमेजिन करना चाहते हैं तो ये रिजल्ट कुछ इस तरह की चीज़ कह रहा है। प्योर अगर कर्लिंग है, प्योर कर्लिंग का मतलब क्या है, देखो कर्लिंग एक ऐसी भी हो सकती है, कोई वेक्टर फील्ड कुछ हद तक तो कर्ल भी हो रहा है, माना कहीं पे पानी का बहाव इस तरह का है फॉर एग्जांपल, या किसी वेक्टर का, इसमें कुछ हद तक तो ये घुमाव भी है लेकिन कुछ हद तक ये इस क्षेत्र से बाहर भी जा रहा है, तो ये वाला प्योर कर्ल नहीं है। लेकिन अगर कोई वेक्टर फील्ड प्योर कर्ल होगा तो उसका डाइवर्जेंस कितना होगा, जीरो। ओके, अगेन इस रिजल्ट को मैं आपको चाहूँगा कंपोनेंट फॉर्म में आप प्रूव करें। कोई वेक्टर फील्ड ए लें, ए लेने का मतलब उसके तीन कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है, लिखो उसका डेल क्रॉस ए निकालो, और फिर जो वेक्टर फील्ड मिलता है उसका डाइवर्जेंस निकालो, अगेन आपको आंसर जीरो मिलेगा। और यहाँ पे भी आपकी मदद वही रिजल्ट करेगा कि पार्शियल डेरिवेटिव में ऑर्डर अनइम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन अगेन एक लाइन दो लाइन में आंसर आपका प्रूव हो गया, लेकिन अगेन जब आपके पास इतनी पावर आ गई थी गॉस और स्टोक्स थ्योरम की पावर। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ओके, और इस रिजल्ट को कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल हमेशा जीरो होता है, इसको रिवर्स में आप कहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, ए कर्ल इज़ ऑलवेज डाइवर्जेंसलेस। अगर कोई कर्ल आपके पास है तो फिर आप उसका डाइवर्जेंस लेने निकलें तो आपको जीरो ही मिलने वाला है। कर्ल हमेशा डाइवर्जेंस फ्री होता है, डाइवर्जेंस लेस होता है। ओके, या अब आप इस रिजल्ट को रिवर्स में देखते हैं, अगर कोई चीज़ हमेशा डाइवर्जेंस लेस है, उसका डाइवर्जेंस हमेशा जीरो मिल रहा है, डेल डॉट ऑफ समथिंग, और माना उस चीज़ का नाम बी है, डेल डॉट बी हमेशा जीरो मिलता है, तो ये आपको ये इंटरप्रेट करने को कहता है कि वो बी जरूर क्या होगा, किसी चीज़ का कर्ल होगा, क्योंकि डाइवर्जेंस हमेशा जीरो किसका होता है, मैथमेटिक्स हमें कह रही है डाइवर्जेंस हमेशा जीरो किस चीज़ का होता है, उस चीज़ का जो खुद कर्ल हो। तो अगर एन ऑलवेज डाइवर्जेंसलेस वेक्टर फील्ड, कोई वेक्टर फील्ड हमेशा उसका डाइवर्जेंस आप कहीं भी इवेल्युएट करें हमेशा जीरो मिल रहा है, इसका मतलब वो वेक्टर फील्ड जो है इट कैन बी रिटर्न और डिराइव फ्रॉम, उस वेक्टर फील्ड को आप लिख सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम अनदर वेक्टर फील्ड, और किस किस ऑपरेशन द्वारा, कर्ल द्वारा। मतलब मैं इसका मैथमेटिकल एग्जांपल आपको देता हूँ, और इनफैक्ट ये फिजिकल एग्जांपल है, मैग्नेटिक फील्ड में डेल डॉट बी हमेशा जीरो होता है, ये इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी ट्रू है और ये इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में भी ट्रू है, डेल डॉट बी मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस हमेशा जीरो होता है। तो किसी चीज़ का डाइवर्जेंस हमेशा जीरो है, अब साथ में आप ये रिजल्ट भी रखें दिमाग में कि यार डेल मैथमेटिक्स तो ये बता रही है कि डाइवर्जेंस जीरो हमेशा किस चीज़ का होता है, जो चीज़ खुद किसी चीज़ का कर्ल हो, इसका मतलब बी जो है मैग्नेटिक फील्ड ये वास्तव में किसी चीज़ के कर्ल के रूप में लिखा जाना पॉसिबल होना चाहिए। कोई दुनिया में कोई वेक्टर फील्ड ऐसा होना चाहिए कि जब उसका कर्ल लें तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन जाए, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो, ये हम किसी एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी मैग्नेटिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आपके पास हो, किसी भी प्रकार की करंट्स आपकी फ़्लो हो रही हों, वो करंट्स आपकी वायर में हो या सरफेसेस पे हो या और कोई कॉम्बिनेशन हो, किसी भी प्रकार की करंट से मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका बन रहा है तो इसका मतलब ये कंडीशन तो होल्ड करनी है, और ये कंडीशन होल्ड करने का मतलब है उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए कोई ना कोई एक वेक्टर फील्ड ए ऐसा होगा कि जब उस ए का हम कर लें तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो हम कहते हैं ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, या किसी वेक्टर फील्ड के कर्ल से हम उसे ऑप्टेन कर सकते हैं, और इस वेक्टर फील्ड को हम कहते हैं वेक्टर पोटेंशियल। जैसे यहाँ ये जो फाई है ना, इसको हम पोटेंशियल कहते हैं, बट इसका सही नाम है स्केलर पोटेंशियल, फाई एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसी ये जो ए है इसको हम कहते हैं वेक्टर पोटेंशियल। ओके, डेल डॉट बी के साथ मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, होपफुली यू अंडरस्टैंड देम। डेल डॉट बी चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो चाहे मैग्नेटोस्टैटिक्स, दिस ऑलवेज होल्ड्स। ओके, दिस इज ट्रू ऑलवेज, और उसका रीज़न जो हम देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाती हैं। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के सोर्सेज क्या होते हैं, जिन्हें हम मोनोपोल्स कहते हैं, प्लस और माइनस को मोनोपोल सिंगल। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में आप जानते हैं, अगर कोई मैग्नेट भी आपके पास है, बार मैग्नेट, और आप उसे ब्रेक करें तो नॉर्थ और साउथ पोल अलग नहीं होते हैं, अगेन नए टुकड़े में नॉर्थ और साउथ दोनों जनरेट होते हैं,
नॉर्थ और साउथ दोनों जनरेट होते हैं, तो इसे हम कहते हैं मैग्नेटिज्म में मोनोपोल्स नहीं होते हैं, ओके। तो वो सारे रीजंस आप वो कर सकते हैं, बट मैथमेटिकली अगर हम कहें ये हमें ये अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है कि बी फील्ड के बजाय आप एक दूसरा फील्ड ए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और इनफैक्ट वहाँ पर इसका नाम हम यूजुअली ए ही रखा जाता है, और इसको हम कहते हैं द वेक्टर पोटेंशियल, ओके। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन हमेशा ट्रू है, मतलब इलेक्ट्रोडाइनमिक्स हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसके हमें जिक्र भी करने की जरूरत नहीं है, दिस इज़ ऑलवेज ट्रू। तो अब इसको और इसको इस्तेमाल करके आप ई का एक नया एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन ई का जो है ये इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, लेकिन इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में ये एक्सप्रेशन है। तो अगर आप इसमें बी का ये वाला एक्सप्रेशन पुट करें और फिर उसे हैंडल करने की कोशिश करें तो आप ई का एक नया एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। मैं उसको अभी नहीं कर रहा हूँ, ओके, बट यू कैन ट्राई डूइंग दैट। जैसे ही रिलेशनशिप मैंने यहाँ पे लिखी थी, ऐसी रिलेशनशिप कुछ मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। पहले इससे स्टार्ट करते हैं, माना वी कोई वेक्टर फील्ड है, ओके। अगर ये किसी चीज़ के कर्ल के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब ये कर्ल है बेसिकली किसी वेक्टर फील्ड का, तो आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि इसका डाइवर्जेंस हमेशा जीरो होगा। ये हम प्रूव कर चुके हैं, अगर कोई वेक्टर फील्ड किसी चीज़ का कर्ल है तो उसका डाइवर्जेंस हमेशा क्या होगा, जीरो। लेकिन इसका रिवर्स भी ट्रू है, अगर किसी चीज़ का डाइवर्जेंस हमेशा जीरो है तो मतलब वो वेक्टर फील्ड जरूर किसी चीज़ का क्या होगा, कर्ल। और इस चीज़ का एक और मीनिंग है, इस चीज़ का एक और मीनिंग ये है, उस वेक्टर फील्ड वी का फ्लक्स किसी सरफेस से, सरफेस आर्बिट्री है लेकिन पाथ फिक्स्ड है। पाथ फिक्स्ड का मतलब क्या है, माना आप मैंने ये पाथ बना दिया है, ये कागज़ में ही आप सोचे पाथ, तो इस पाथ के लिए एक सरफेस तो ये है, इस कागज़ में ये सरफेस जो है, पर आप ऐसे सोचें पाथ तो यही है, लेकिन अगर मैं इस कागज़ को थोड़ा सी ऊपर की तरफ डेंट कर दूं, अब मेरी सरफेस ऐसी कर्व बन रही है, बाउंड्री तो यही है लेकिन सरफेस क्या है, दूसरी सरफेस है। अगर पाथ फिक्स रखते हुए हम अलग अलग सरफेसेस बनाएं तो उन सारी सरफेसेस के लिए अगर हम इस वी का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो फ्लक्स बराबर बनेगा, मतलब फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस टाइप की बात हो रही है। जैसे वर्क डन क्या होता है, पाथ इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ जब तक इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स्ड हैं, बाउंड्री फिक्स्ड है। ऐसा ही रिजल्ट ये भी है, अगर कोई वेक्टर फील्ड इस या इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और ये दोनों प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट हैं, तो उसका अगर आप फ्लक्स लें किसी सरफेस के थ्रू, लेकिन सरफेस की बाउंड्री आपने फिक्स कर रखी है, तो फिर कितनी भी सरफेसेज आप उस बाउंड्री के लिए जनरेट करें, उन सब से फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, बराबर। तो और ये रिजल्ट सारे इक्विवेलेंट है, अगर ये रिजल्ट किसी वेक्टर फील्ड के लिए होल्ड कर रहा है तो आप ये प्रूव कर सकते हैं या ये प्रूव कर सकते हैं, अगर ये होल्ड कर रहा है तो ये या ये प्रूव कर सकते हैं, और ये होल्ड कर रहा है तो ऑल दीज रिजल्ट्स आर इक्विवेलेंट, ओके। तो अब जरा यहाँ पे ये देखें हुआ क्या है, ये पांच में से लैप्लाशियन थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया, ये फिजिक्स में आपको कई जगह मिलेगा, ये दो क्या हो गए, जीरो, और आपको बेसिकली इन्हीं की चिंता करनी है। फिजिक्स में यूजुअली आपको ये तीन से ही मुलाकात होगी, ठीक है, ये दो ध्यान रखें आप हमेशा जीरो होते हैं, आप प्रॉपर ध्यान रखें कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जीरो होता है, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ कर्ल तो ऑपरेशन ही नहीं होता है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस भी नहीं होगा, ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल कौन से जीरो हैं दिस। लेकिन ये बाकी दो जो है थोड़ा सी मैं इनकी बात करूँगा, ये कभी कभी फिजिक्स में इनकाउंटर होते हैं दिस एंड दिस, थोड़ा सी इनकी बात एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये जो हमारी लिस्ट में थर्ड नंबर पे था शायद, ओके, डेल डेल डॉट ए, रियली नहीं रेयरली लिखना चाह रहा था मैं, सॉरी, ये फिजिक्स में आपको बहुत रेयरली इससे मुलाकात होगी, डेल डेल डॉट ए वाला ऑपरेशन, मैथमेटिकली ये ऑपरेशन होता है, और ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में नहीं मिलता है, ये ऑपरेशन भी वैसे आपको मिलता है, बट ये आपको एटलीस्ट आप जितनी फिजिक्स अभी और कुछ आगे तक पढ़ने वाले हैं उसमें एटलीस्ट आपकी इससे ज़्यादा मुलाकात नहीं होगी, तो इसीलिए हम ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। लेकिन इसको एक इस सेंस में मैं कहना चाहूँगा, दिस इज़ जस्ट अ जोक, डोंट टेक इट सीरियसली, इस ऑपरेशन को अगर आप पढ़ें तो दिस इज़ ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, जी ओ डी, गॉड, तो फिजिक्स में आपकी गॉड से मुलाकात कम होगी। इसको इस तरह से इंटरप्रेट करो, फिजिक्स में आपको बचाने के लिए भगवान जी नहीं आने वाले हैं, सो प्लीज़ वर्कआउट प्रॉब्लम्स, ठीक है, भगवान जी ने पावर जो दे दी है वो गॉस और स्टोक्स को दे दी है, तो गॉस स्टोक्स और उन थ्योरम्स को आप प्रॉपर्ली अपने अंदर समाहित कर लें तो आप वेक्टर एनालिसिस और बाकी जगह आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, तो जस्ट रिमेम्बरिंग गॉड की हो जाएगा, तो वैसा नहीं होगा, गॉड ने यहाँ आपको कह दिया है थोड़ा ढंग से पढ़ो, ओके, सो टेक दिस एज अ जोक बट टेक इट सीरियसली इन द सेंस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको गॉस और स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ तो एक एस्पेक्ट है,
आपने रिजल्ट डिराइव कर दिया। बट मैथमेटिकल फिजिक्स में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैथमेटिकल फिजिक्स लर्न करने का तरीका है आप उसके रिजल्ट्स को अप्लाई करें, वेरियस सिनेरियोज में आप अप्लाई करेंगे तब आप उस थ्योरम को डीपली समझ पाएंगे। ओके सिस, तो दिस, तो दिस रियरली अकर्स इन फिजिक्स। और ये ध्यान रखें, ये डेल डॉट डेल तो लैप्लासियन होता है, यहाँ अलग कहानी है, दिस इज नॉट द लैप्लासियन। ओके, ये लैप्लासियन से अलग ऑपरेशन है। और लास्ट में एक जो ऑपरेशन हमारा बचता है लास्ट में, कर्ल ऑफ कर्ल जो बचा था, दो बार डेल का उपयोग का एक तरीका और है कर्ल ऑफ कर्ल। इसको मैथमेटिकली ये प्रूव किया जा सकता है ये इतने के बराबर होता है, डेल डेल डॉट ए, डेल डेल डॉट ए ये वाला है जो फिजिक्स में रियली आपको बहुत कम मिलता है। ओके, और माइनस डेल स्क्वायर ए, डेल स्क्वायर लैप्लासियन है। ओके, तो ये थर्ड वाला जो है, ये फिफ्थ वाला जो है, ये फिजिक्स में कभी कभी आपको मिलेगा, लेकिन उसमें एक ये थर्ड वाला टर्म आएगा और एक टर्म ये आता है लैप्लासियन, जिसे शायद मैं फर्स्ट वाला टर्म कह सकता हूँ। बट रिमेंबर, ये एक्चुअली लैप्लासियन नहीं है, लैप्लासियन आप डिफाइन करते हैं किसी स्केलर फील्ड के लिए इस ऑपरेशन से। यहाँ पे मैंने लैप्लासियन जो लिखा है ये वेक्टर फील्ड का लिखा है, तो आप सोचिए ये एक्चुअली एक शॉर्ट हैंड, लैप्लासियन ऑफ वेक्टर वैसे होता नहीं है, लेकिन डेल स्क्वायर ए मैंने जो लिखा है उसको आप इस सेंस में सोचें, आपने ए के ए एक्स कंपोनेंट का लैप्लासियन ले लिया और उसको आई यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया ए एक्स आई, और उसके ए वाई कंपोनेंट का लैप्लासियन ले लिया और उसको जे से मल्टीप्लाई किया, और जेड कंपोनेंट का लिया के से। ए का लैप्लासियन लेने का ये मतलब है उसके तीनों कंपोनेंट्स का अलग अलग लैप्लासियन लो, ये आप डिफाइन कर सकते हैं डेल स्क्वायर ए एक्स। हाँ, एफ की जगह ए एक्स है, फिर दूसरी बार एफ की जगह ए वाई है, तीसरी बार एफ की जगह ए जेड। ये तो ये शॉर्ट हैंड है, बट ये फिफ्थ ऑपरेशन ये है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और रिमाइंड कराना चाहूँगा, ये ऑपरेशन वैसे हमें मिलता है फिजिक्स में एक जगह पे, जब हम मैक्सवेल्स इक्वेशन में ही जाएँ और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव इक्वेशन होती है उसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। बट वहाँ पे एक चीज़ जो हमारी मदद करती है, एटलीस्ट वैक्यूम में डेल डॉट ई और डेल डॉट बी दोनों जीरो होते हैं। आपके पास इस ए की जगह या तो ई या बी होगा, सोचिए यहाँ ई या बी में से कुछ भी है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, डेल डेल डॉट ई या बी और माइनस डेल स्क्वायर ए। ये टर्म तो हमारा बचा रहेगा, ये तो हमें इवेलुएट करना पड़ेगा। बट डेल डॉट ई भी जीरो होता है अगर आपके पास चार्ज डेंसिटी नहीं है, और डेल डॉट बी तो क्या होता है, हमेशा जीरो, इसलिए ये टर्म खत्म हो जाता है। ओके, तो ये टर्म वैसे मिलता है हमें, बट एटलीस्ट जिन फिजिकल सिचुएशंस में आप इसे इनकाउंटर करने वाले हैं रिसेंटली, वहाँ ये आपको लगभग हमेशा जीरो मिलेगा। ओके, सो दिस, सो ये हैं पांच तरीके जो डेल को दो बार ऑपरेट करने के हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है इसकी शायद आपको यहाँ इस कोर्स में भी कहीं ज़रूरत पड़ जाए, और ये दो हमेशा जीरो होते हैं। ओके, सो रिमेंबर दीज रिजल्ट्स। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं केवल मेंशन करना चाहूँगा, ये डायरेक्टली आपके सिलेबस के उस हिसाब से रेलेवेंट नहीं होगा, पर जो हम वेक्टर एनालिसिस पढ़ चुके हैं ये एक्चुअली उसका एक तरह से आप कल्मिनेशन सोच सकते हैं। मैं जस्ट रिजल्ट आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी आर्बिट्री वेक्टर फील्ड है, और इसलिए मैंने उसे एक्स लिखा है, एक्स दुनिया का कोई भी वेक्टर फील्ड होता हो सकता है, आप मनचाहा वेक्टर फील्ड आपने कंस्ट्रक्ट किया, तो उस वेक्टर फील्ड को आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, दो पार्ट्स के सम के रूप में ले सकते हैं। वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं तो ये अपने आप में वेक्टर्स होंगे, और वेक्टर नहीं है, वेक्टर फील्ड है एक्चुअली, तो ये वेक्टर फील्ड मतलब हर पॉइंट पे एक वेक्टर। तो हर पॉइंट पे जो आपका एक्स वेक्टर है आप उसका डिकम्पोजिशन इस तरह से कर सकते हैं, एक पार्ट का नाम मैंने जी रखा है और सी रखा है, लेकिन ये पार्ट्स क्या हैं। जी एक ऐसा पार्ट है जो कि प्योर ग्रेडियंट है, जी इसीलिए ग्रेडियंट। प्योर ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट जो है ये इस फील्ड का, इसको आप किसी स्केलर के ग्रेडियंट से ऑप्टेन कर पाएंगे, किसी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट से ऑप्टेन कर पाएंगे ये पार्ट दिस। और ये पीछे हम बात कर चुके हैं, जो प्योर ग्रेडियंट होता है, जो वेक्टर फील्ड प्योर ग्रेडियंट होता है उसका कर्ल हमेशा क्या होता है, जीरो। तो ये जी पार्ट को आप दो तरीके से कह सकते हैं, जी या तो आप कह सकते हैं प्योर ग्रेडियंट है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जी क्या है, कर्लेस। इस रिलेशनशिप को देखिए, ए अगर प्योर ग्रेडियंट है तो ए कर्लेस भी तो होता है, तो दोनों एक ही बात है। वैसे तो ये तीसरी बात भी है, पर हम यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे हैं। प्योर ग्रेडियंट कर्लेस होता है, या कर्लेस फील्ड क्या होता है, प्योर ग्रेडियंट होता है। तो ये हमने जो डिकम्पोजिशन की बात की, इस डिकम्पोजिशन में ये कह रहा है आप कोई भी दुनिया का कोई भी वेक्टर फील्ड उठाएं, आप उसको इस तरह से डिकम्पोज कर सकते हैं कि उसका एक पार्ट प्योर ग्रेडियंट या कर्लेस हो। ओके, किसी कोई फील्ड फाई आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन कोई ना कोई स्केलर फील्ड ऐसा होगा जिसके ग्रेडियंट लेके ये वाला पार्ट बन जाएगा, और बाकी जो पार्ट बचा सी वो है एक्चुअली प्योर कर्ल, इसीलिए इसका नाम सी यूज़ किया। और कर्ल, प्योर कर्ल आप जानते हैं डाइवर्जेंस लेस होता है, प्योर कर्ल जो होता है, अगर वी एक प्योर कर्ल है तो उसका डाइवर्जेंस जीरो होता है। तो चाहे आप ये बोलें चाहे ये बोलें, दोनों एक ही बात है, यहाँ ये दोनों बात बोलने की जरूरत नहीं है। सी को आप प्योर कर्ल भी बोल सकते हैं या सी को डाइवर्जेंस लेस भी, दोनों इक्विवेलेंट बातें हैं दिस।
मतलब कोई वेक्टर फील्ड दुनिया में ऐसा होगा ए कि उस ए का जब हम वो निकालें, कर्ल निकालें, तो हमारा सी बन जाएगा, फॉर सम फाई जी बन जाएगा, फॉर सम फाई ए बन जाएगा। तो अब इस रिजल्ट पे फिर से लौटते हैं। कोई भी वेक्टर फील्ड हो, इस वेक्टर फील्ड की हम कोई प्रॉपर्टी असाइन नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कर्ललेस है, डाइवर्जेंस लेस है, इसका ग्रेडियंट जीरो, कोई प्रॉपर्टी हम इसको नहीं कह रहे हैं। कोई भी आर्बिट्री वेक्टर फील्ड है दुनिया का, तो लेकिन आप इसे इस तरह से डिकम्पोज कर सकते हैं कि ये एक प्योर ग्रेडियंट फील्ड का सम और एक प्योर कर्ल फील्ड का सम बने। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसे हम हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम कहते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड दी हेल्महोल्ट्ज़ रिजल्ट। और इस रिजल्ट्स के वैसे इंप्लीकेशंस जो हैं, क्योंकि यहाँ पे असल सवाल जो होता है वैसे वो ये होता है, अच्छा कोई वेक्टर फील्ड एक्स, ये तो माना आपको दे रखा है, आपको जी और सी निकालने हैं, उसके डिकम्पोजिशन करके उसका प्योर ग्रेडियंट और प्योर कर्ल वाला पार्ट आपको निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे? ये होती प्रॉब्लम एक्चुअल। ये प्रूव किया जाता है, ये मैंने प्रूव भी नहीं किया, रिजल्ट दे रहा हूँ। पर उसके बाद उस वहाँ पे इंपॉर्टेंट काम ये होता है, ये जी और सी निकालना। एक्स अगर दे रखा है तो जी और सी निकालना। तो इसको निकालने की जो ट्रिक है, मैं जस्ट आउटलाइन कर रहा हूँ अगेन। अगर आप इस इक्वेशन का डेल डॉट लें, ग्रेडियंट लें, तो डेल डॉट एक्स बराबर डेल डॉट जी प्लस डेल डॉट सी। लेकिन सी तो डाइवर्जेंस लेस है, ये सी पार्ट का डाइवर्जेंस जीरो है, तो डेल डॉट एक्स कितने के बराबर है? डेल डॉट जी के बराबर। और ऐसे ही अगर आप इसका कर्ल लें, डेल क्रॉस एक्स बराबर डेल क्रॉस जी प्लस डेल क्रॉस सी, और डेल क्रॉस जी कितना है? जीरो। जी पार्ट कर्लेस है, तो डेल क्रॉस एक्स कितना हो गया? डेल क्रॉस सी। इन इक्वेशंस को आप इस तरह से देखें, एक्स अगर आपको दे रखा है तो आपने इन इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड निकाल के रखा हुआ है। मतलब बेसिकली आपको दो इक्वेशन मिल रही हैं, डेल डॉट जी बराबर समथिंग, वो समथिंग कहाँ से मिलेगा? एक्स वेक्टर फील्ड आपको दे रखा है, तो डेल डॉट एक्स आप निकाल चुके हैं, तो डेल डॉट जी बराबर समथिंग और डेल क्रॉस सी बराबर समथिंग। ये समथिंग आप निकाल चुके हैं, एक्स अगर पता है समथिंग। तो बेसिकली इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आप जी और सी निकाल सकते हैं। अब ये रफली आप सोचें, अगर आप वन डायमेंशनल केस की तरह सोचें, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डेल को अगर आप केवल डी बाई डी एक्स सोचें वन डायमेंशनल केस में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग बराबर समथिंग दे रखा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। ऐसे ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन, पर ये सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ओके, इसमें वेक्टर नेचर भी आ रहा है, तो सॉल्यूशन थोड़ा टिपिकल होता है, बट नॉट दैट टिपिकल। तो अगर कोई वेक्टर फील्ड एक्स दे रखा है, तो सैद्धांतिक तौर पर इन प्रिंसिपल आप हमेशा उसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। जी यहाँ से सॉल्व करके निकल आएगा, सी यहाँ से सॉल्व करके निकल आएगा, और जी और सी के पास ये प्रॉपर्टी होगी। ओके, दिस तो डाइवर्जेंस ऑफ एंड कर्ल ऑफ एक्स अगर आप निकाल पाएँ, तो फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करके, और ये इतना आसान नहीं होता, बट फॉर द मोमेंट हम क्योंकि सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए हम सॉल्व कर पाते हैं। तो अगर हम इनको सॉल्व कर पाते हैं, तो हम जी और सी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दिस इज समथिंग कॉल्ड दी हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम। ओके, ये एक्चुअली इस पिक्चर से रिलेटेड है। अगर आप कुछ हद तक सोचें, प्योर डाइवर्जेंस और प्योर कर्ल में ब्रेक करना, प्योर ग्रेडियंट और प्योर कर्ल में ब्रेक करना, ये कुछ ऐसी कहानी है। कोई भी वेक्टर फील्ड हो, तो उसको आप एक तो उसका केवल रोटेशन का पार्ट अलग कर सकते हो, और बाकी पूरा एक स्ट्रेट पार्ट, स्ट्रेट से मेरा मतलब है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बेसिकली स्लोप होता है। सो समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह का रिजल्ट इसमें कंटेंट है। ओके, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, बट माइंड में एक पिक्चर बनाने के लिए दिस सेज समथिंग लाइक दिस। अच्छा, ओके, अब मैं इस पर एक या दो प्रॉब्लम आपको करा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं केवल एक ही प्रॉब्लम करा रहा हूँ, बाकी मैं आपको प्रॉब्लम सेट में दूंगा। और दिस एक रिजल्ट ये भी है, जो हमारे पास गॉस और स्टोक्स थ्योरम है, उसको उनसे इतने सारे रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो एक जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके का है। एफ कोई वेक्टर फंक्शन, स्केलर फंक्शन है, एफ डी एस का इंटीग्रल किसी सरफेस के ऊपर बराबर होता है डेल एफ का वॉल्यूम इंटीग्रल, डी टाउ, मैंने डी क्यूब एक्स की जगह डी टाउ लिखा है, वॉल्यूम इंटीग्रल। और इस सरफेस और इस वॉल्यूम में वही रिलेशन है जो हमेशा हमारा होता ही है, उस वॉल्यूम की बाउंड्री है ये सरफेस, ठीक है, एस बराबर। अब यहाँ पे लेकिन एक अजीब सी चीज़ आई है, अगर आपने गौर कर लिया है, यहाँ मैं वेक्टर का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। आप सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को देखें पहले, एफ स्केलर है, डी एस वेक्टर नेचर है, स्केलर इंटू वेक्टर वेक्टर होता है, आप वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। हमने वेक्टर्स के एडिशन की कहीं बात ही नहीं की, मतलब वेक्टर एडिशन अलग चीज़ है, इंटीग्रेशन में कहीं बात नहीं की। इंटीग्रेशन में मैंने आपको जहाँ इंट्रोड्यूस किया था, चाहे कोई भी इंटीग्रल थे वो क्या थे, चाहे लाइन इंटीग्रल था, चाहे सरफेस इंटीग्रल था, चाहे वॉल्यूम इंटीग्रल था, हमने बात की थी हम रीजन के एक छोटे पॉइंट पे एक नंबर इवेल्युएट करेंगे और उन नंबर्स को ऐड करेंगे, वो नंबर हमारे डॉट प्रोडक्ट से बने थे, ठीक है। लाइन इंटीग्रल में ग्रेडियंट, यहाँ ए डॉट डी एस से, और यहाँ डाइवर्जेंस से बने थे नंबर्स, डेल डॉट ए टाइप की चीज,
ठीक है, इस तरह के इंटीग्रल्स हमारे पास, हमारे पास लाइन सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल तो आए, पर उन इंटीग्रल्स में हमेशा हम नंबर्स को ऐड कर रहे थे, यहाँ वेक्टर्स को ऐड करने की बात करें। राइट हैंड साइड में भी ऐसा ही है, डी टाउ तो स्केलर होता है वॉल्यूम एलिमेंट, डेल एफ ये वेक्टर है, अलग अलग पॉइंट्स पे वेक्टर को ऐड करने का सेंस ज़्यादा बनता नहीं है। इनफैक्ट ये एक सीरियस इशू है जो पूरी जो आप पैरेलल ट्रांसपोर्ट और वो आता है आपका कर्वलीनियर सिस्टम्स में, वो यहीं से आता है। बट पॉइंट ये है, ये चीज़ उस सेंस में बहुत वेल डिफाइंड मैं नहीं कहूँगा, एटलीस्ट मैंने आपके लिए इसे डिफाइन नहीं किया, लेकिन आप इसके प्रूफ में जाके समझ जाएंगे ये मैथमेटिकल रिजल्ट क्यों होल्ड करता है। ओके, माना एक वेक्टर फील्ड लेते हैं ए, जो मैंने इस एफ से बनाया, एफ जो कि इस प्रॉब्लम में हमें दे रखा है, हमें प्रूव करना है, तो एफ हमें गिवन है एफ, और इसको मैंने एक दूसरे इस वेक्टर फील्ड से मल्टीप्लाई किया ए, ये स्मॉल ए वाला जो वेक्टर फील्ड है ये है कांस्टेंट वेक्टर। कांस्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है तो आर्बिट्रेरी, मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं, कांस्टेंट वेक्टर है लेकिन आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब आपको मैं कहता हूँ आप अपना मन चाहा एक वेक्टर चूज़ कर लो, एक पॉइंट पे एक वेक्टर बना के मुझे दिखा दो, माना आपकी इच्छा ये वाला वेक्टर बनाने की ये वाला इतना बड़ा इतना लेंथ का और इस डायरेक्शन में, तो इससे मैं जो वेक्टर फील्ड बनाऊंगा वो ये रहा, हर पॉइंट पे यही वेक्टर, हर पॉइंट पे यही वेक्टर, यही वेक्टर मतलब उतना ही मैग्नीट्यूड वही डायरेक्शन, तो इस वेक्टर फील्ड को हम कहेंगे कांस्टेंट वेक्टर फील्ड। है आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब आप इसके बजाय इस वेक्टर से भी स्टार्ट कर सकते थे, माना ये वाला, ये इतनी लंबाई का और इस डायरेक्शन में, तो ये वाला, तो आर्बिट्रेरी का मतलब है कहीं भी ले लो पर पूरे रीजन में, फिर वो सब जगह वो वेक्टर फील्ड में वो वेक्टर जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेक्टर से ये मतलब है कांस्टेंट, लेकिन वो कांस्टेंट वेक्टर फील्ड ये वाला भी हो सकता है, कांस्टेंट वेक्टर फील्ड ऐसा वाला भी हो सकता है, दिस ओके दिस, तो ए बस एक कांस्टेंट वेक्टर, रिमेंबर दिस ओके। लेकिन ये जो, लेकिन आप ये ना सोचें अरे ये कांस्टेंट वेक्टर है तो ये भी कांस्टेंट होगा, अरे ये स्केलर फील्ड पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है तो ये वाला वेक्टर फील्ड पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, हाँ डायरेक्शन तो वही रहेगी, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, तो ये जो बड़ा वाला वेक्टर फील्ड ए है इसकी डायरेक्शन भी हर पॉइंट पे, अगर ये सिचुएशन है हर पॉइंट पे यही होगी, पर इसका मैग्नीट्यूड कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा हो सकता है, क्यों, ये स्केलर फील्ड कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा हो सकता है, ये स्केलर फील्ड कॉन्स्टेंट थोड़ी है, तो हमने लेकिन इस तरह की एक कंस्ट्रक्शन की, एक वेक्टर फील्ड बनाया इस प्रोसेस से, ओके, स्मॉल ए कॉन्स्टेंट है, एफ हमारा दिस है, सो ए इज़ स्टिल कंट्रोल्ड बाई एफ, ए का मैग्नीट्यूड इस एफ से कंट्रोल हो रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो सकता है बट इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेम है ए के पैरेलल, तो इससे क्या हो रहा है, अब इस वेक्टर फील्ड पे आप जरा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दो। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये है, डेल डॉट ए का वॉल्यूम इंटीग्रल बराबर ए डॉट ई एस का सर्फेस इंटीग्रल, रिलेशनशिप आपको पता है वॉल्यूम और सर्फेस के ऊपर, ओके, ए की जगह आप दोनों साइड सब्स्टिट्यूट कर दें, ए कैपिटल ए एक्चुअली है एफ ए, लेफ्ट हैंड साइड में डेल डॉट एफ ए डाइवर्जेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर और वेक्टर फील्ड का आप रिजल्ट यूज़ करें, ओके, ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैंने प्रूव नहीं किए हैं पर मैंने आपको कहा था ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल सब में हमारे काफ़ी सारे रूल्स आते हैं कि अगर ग्रेडियंट दो स्केलर फंक्शंस के प्रोडक्ट पे ऑपरेट हो रहा है या दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट पे ऑपरेट हो रहा है वगैरह वगैरह, तो ऐसे ही अगर डाइवर्जेंस एक स्केलर इनटू एक वेक्टर के प्रोडक्ट पे ऑपरेट होता है तो आपको दो टर्म्स मिलते हैं जो इस तरह से होते हैं, एक बार ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर प्लस दूसरी बार स्केलर फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई डाइवर्जेंस ऑफ दिस ए, ठीक है, ये मैथमेटिकल रिजल्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये, और राइट हैंड साइड में मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ की है, ये ए वेक्टर फील्ड कॉन्स्टेंट है, ये स्मॉल ए कॉन्स्टेंट हमने जो लिया था उसका यूज़ अब आ रहा है, तो आप इस ए को इस इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, कई चीज़ों को ऐड करना, लेकिन आप जो वो सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं उसमें ये ए क्या है, कांस्टेंट, तो ये ए आपने बाहर ले लिया, तो ए डॉट और बाकी बचा आपका एफ डी एस, तो रिमेंबर दिस थिंग, देखो ये चीज़ ये है एफ डी एस, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये चीज़ असल में आई कहाँ से थी, यहाँ से, ये चीज़ एक वेल डिफाइंड चीज़ है, ए डॉट डी एस एक नंबर बनता है, एफ से मल्टीप्लाई करके भी एक पॉइंट पे एक नंबर बनता है, आप नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसे इस फॉर्म में देखते हैं इसका ए डॉट छोड़ के, तब ये चीज़ थोड़ा अजीब सी लगती है, आप वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, लेकिन असल में आपको ये ध्यान रखना है ये वेक्टर्स का एडिशन कहाँ से आया था, इसके बैकग्राउंड में ये ए डॉट एक कॉन्स्टेंट वैक्टर के साथ ये डॉट हो रखा था, ओके, लेकिन मैथमेटिकली ये रिजल्ट ट्रू है, ए डॉट को आप बाहर ले सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़, अब राइट हैंड साइड में मैं सीधे आपको यहीं पर दिखा देता हूँ, डेल डॉट ए आपको जीरो मिलने वाला है, ए एक कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर मतलब ये अगर आप फिगर में ही सोचें ये हर पॉइंट पे इसका बिहेवियर ऐसा है, तो इसका डाइवर्जेंस कितना है, आप कहीं पे भी एक छोटा सी वॉल्यूम ले, ये वॉल्यूम है डब्बा है,
थ्री डायमेंशन है, पर मैं केवल ऐसा दिखा रहा हूँ, जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स क्या कर जाएगा, स्केप कर जाएगा। तो इसका डाइवर्जेंस किसी भी पॉइंट पर कितना है, जीरो। या मैथमेटिकली भी आप शो कर सकते हैं, अगर ए कॉन्स्टेंट फील्ड है वेक्टर फील्ड, तो उसका डाइवर्जेंस कितना होगा, जीरो। ये टर्म खत्म हो गया, और बाकी जो ये इंटीग्रल बचा डेल एफ डॉट ए टाइम्स डी टाउ, इसमें भी ए वेक्टर को आप इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बाद में करेंगे, तो आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में डेल डॉट ए जीरो है, क्योंकि ए कॉन्स्टेंट वैक्टर है। उसको आप इस तरह सोचें, आप डेल डॉट ए निकालते कैसे हैं, आप कुछ ऐसा करेंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ ए वाई प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ ए जेड। पर ए की कंपोनेंट्स तो एक्स वाई जेड के साथ चेंज ही नहीं हो रहे हैं, उनकी वैल्यू फिक्स्ड है, जितनी इस पॉइंट पे उतनी इस पॉइंट पे उतनी इस पॉइंट पे उतनी इस पॉइंट पे, कांस्टेंट वेक्टर फील्ड। तो वो ये भी जीरो, अगला भी जीरो, अगला भी जीरो, सो दिस इज जीरो। तो अब आपका जो रिजल्ट बचा, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ए डॉट पहले ही बाहर ले लिया था सरफेस इंटीग्रल से, और जो यहाँ जो का जो वॉल्यूम इंटीग्रल में केवल एक टर्म बचा, जो कि अभी तक लिखा हुआ था डेल एफ डॉट ए डी टाउ का इंटीग्रल, ए क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर है बाहर ले लिया। और अगेन, वैसे तो आप सीधे सीधे हम इस तरह से कई बार इस चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं, अच्छा ए डॉट समथिंग इज इक्वल टू ए डॉट समथिंग, तो ये दोनों चीज़ क्या होनी चाहिए, बराबर। पर एक्चुअली इसको हमको इस तरह से नहीं करना चाहिए, हमको इसको इस तरह से करना चाहिए, ए डॉट ये वॉल्यूम इंटीग्रल, मैंने इसके साथ की चीज़ नहीं लिखी लेकिन ये वॉल्यूम इंटीग्रल, माइनस दिस ए डॉट कॉमन लिया, दोनों इंटीग्रल्स आप कंबाइन नहीं कर सकते हैं, एक वॉल्यूम इंटीग्रल एक सरफेस, लेकिन अलग अलग, ए डॉट दिस इंटीग्रल माइनस दिस इंटीग्रल बराबर जीरो। अब क्योंकि ए वेक्टर आर्बिट्रेरी है, ए आपने एक बार ए चूज़ कर लिया तब तो वो आपको सब जगह एक लेना है, लेकिन ए में आपको ये फ्रीडम तो थी कि उस ए को आप कहीं भी ले सकते हैं और कोई भी ले सकते हैं, तो ए इस सेंस में आर्बिट्रेरी है। तो किसी भी ए वेक्टर फील्ड के लिए, कांस्टेंट वेक्टर फील्ड के लिए ये रिजल्ट ट्रू मिल रहा है, इसका मतलब जीरो कहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से, वही आर्ग्यूमेंट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं फिर से, ए डॉट समथिंग हमेशा जीरो बन रहा है, आर्बिट्री ए के लिए ये डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो बन रहा है, इसका मतलब गड़बड़ कहाँ है, यहाँ है, ओके दिस, सो दिस इंटीग्रल मस्ट बी जीरो। तो यहीं से फिर आप इस टर्म को फिर से इधर ले जाओ तो आपको ये रिजल्ट मिल गया, बेसिकली जो आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं ए डॉट को हटा के, पर इसको करने का सही तरीका ये है, दिस इज इक्वल टू दिस, ओके। तो ये रिजल्ट ऑप्टेन हो गया, लेकिन मैं आपको लास्ट में फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा, अलग अलग पॉइंट्स पे वेक्टर के एडिशन का कोई ज़्यादा सेंस होता नहीं है, बट इस तरह के रिजल्ट्स भी हम यूज़ भी करते हैं, हमें डिराइव करके आ भी गया, बट आपको केयरफुल रहना चाहिए, ये एफ डी एस टर्म एक्चुअली आया कहाँ से है, ये एफ डी एस टर्म एक्चुअली यहाँ से आया और ये टर्म यहाँ से आया था, ए को आपने बाद में इंटीग्रल से बाहर कर दिया और बाद में वो कैंसिल हो गया, मैं इसे कैंसिल होना बोल रहा हूँ, ये कैंसिलेशन नहीं है, लेकिन मैं कैंसिल होना कह रहा हूँ, ये कैंसिल हो गया तो आपको लास्ट रिजल्ट ये नज़र आया, इसको आप यूज़ करेंगे, बट आपको इसको समझना चाहिए वेक्टर्स के एडिशन का क्या सेंस है, ओके। वो स्केलर्स के एडिशन से ही ऑप्टेन हुआ है, नंबर्स के एडिशन से ऑप्टेन हुआ है। इसी तरह की एक सिमिलर प्रॉब्लम है, ट्राई प्रूविंग दिस, डेल क्रॉस पी टी टाउ का वॉल्यूम इंटीग्रल बराबर डेल एस क्रॉस पी का सरफेस इंटीग्रल, अगेन सरफेस और वॉल्यूम में वही रिलेशन है जो गॉस थ्योरम में नॉर्मली होता ही है। मैं आपको इसकी हिंट कर दे रहा हूँ, आप गॉस थ्योरम से स्टार्ट कीजिए अगेन, लेकिन जिस वेक्टर फील्ड पे आप गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, माना उसका नाम कैपिटल ए है, उसको आप इस फॉर्म का लीजिए, ए क्रॉस पी, पी तो ये वाला फील्ड है जिसके लिए हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है, और ए अगेन इस प्रकार का ही कांस्टेंट वेक्टर है जैसा हमारा इस एग्जांपल में था। आप उसे एक मनचाहा ले सकते हैं, पर एक पॉइंट पे आपने वो वेक्टर ले लिया तो हर जगह वो वेक्टर फील्ड उतना ही है, ठीक है। तो आप इसके साथ लगभग ऐसी कैलकुलेशन करते हुए आएंगे, तो होपफुली यू विल बी एबल टू प्रूव दिस। अगेन ये रिजल्ट भी वेक्टर्स का एडिशन है, डेल एस क्रॉस पी वेक्टर बनता है, अलग अलग पॉइंट्स पे वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो वेक्टर का एडिशन अलग अलग पॉइंट्स पे, हमने कहीं उसकी बात नहीं की, बट अगेन आपको इसमें कुछ इस तरह की चीज़ मिलेगी, आपने एक्चुअली बाहर ए डॉट कॉमन लिया होगा लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, और फिर उस ए डॉट को एक तरह से कैंसिल कर दिया होगा, तब ये रिजल्ट बनेगा आपका। तो दिस इज़ अनदर रिजल्ट दैट आई वुड लाइक यू टू प्रूव। ये कुछ केसेस हैं जो मैंने किया, एक्चुअली मैंने इसमें न्यूमेरिकल एग्जांपल्स क्यों नहीं किए, उसका एक रीज़न है, इसके ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम या कोई भी और जनरल रिजल्ट्स जो हमारे इससे प्रॉब्लम बेस्ड हैं, कार्टेशियन में आपके पास बहुत कम प्रॉब्लम्स होती हैं। यूजुअली जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में बनती हैं। आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है, गॉस थ्योरम या कोई भी थ्योरम इस वॉल्यूम के लिए प्रूव करो, स्टोक्स थ्योरम, ये वॉल्यूम कौन सा है, ये किसी स्फीयर की सरफेस है या किसी सिलेंडर की सरफेस को आपको यूज़ करना पड़ सकता है। अब सिलेंडर और स्फीयर्स को यूज़ करने के लिए आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से मदद नहीं मिलती है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी जाके भी आप उस प्रॉब्लम्स को कई बार सॉल्व करते हैं, पर वो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। कार्टेशियन मतलब एक क्यूब के लिए आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव करने को कहा जा सकता है, क्यूब की सरफेसेस प्लेन होती हैं,
कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स में बड़ा इजी होता है इसे हैंडल करना। लेकिन जिन सर्फेसिस के ऊपर आपको अप्लाई करना है कोई भी रिजल्ट वेक्टर कैलकुलस का, माना वो सर्फेसिस या वॉल्यूम्स आपके स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल नेचर के हैं, तो कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स आपको बहुत ज़्यादा मदद नहीं करते हैं। तब आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं या तो सिलेंड्रिकल स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स रो थीटा जेड, तो मेरे ख्याल से आप इन चीज़ों से अभी ज़्यादा फेमिलियर नहीं हैं, तो मेरी कोशिश होगी मैं आगे किसी लेक्चर में, एक अलग लेक्चर में थोड़ा सी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को डिस्कस करूँगा, तो वहाँ से थोड़ा आपको इनका आइडिया मिल जाएगा, तो आप फिर इसकी किसी जनरल प्रॉब्लम को अटैक कर पाएंगे। इनिशियली मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे दूंगा प्रॉब्लम सेट में जो कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स बेस्ड होंगी, लेकिन वो बहुत कम प्रॉब्लम्स होंगी। जनरल आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो वो बेटर अप्लाई करने का तरीका ये होगा, पहले आप थोड़ा ये भी सीख लें, तो आप पहले से खुद से ये जानते हैं तो अच्छी बात, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं एक शॉर्ट लेक्चर में इसको थोड़ा सी हिंट करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप जनरल प्रॉब्लम्स जो होती हैं थ्योरम रिलेटेड या ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल की भी, उनको आप अटेम्प्ट कर सकें। ओके, सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीबॉडी।